thank you तो ये जो वीडियो भी आप लोगों ने देखी है बड़ा ही शानदार सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें को कि को को कि तो कोई भी लड़का चाहे घर में सिस्टर हो चाहे कोई भी औरत हो जिसको पीरियड साइकिल हो तो उस टाइम पर उसकी हेल्प कर पाएगा तो ये सबको एक्सपेरिमेंट होना चाहिए सबके ऊपर या फिर नहीं आप लोग क्या मानते हैं ये स्कूल में होना चाहिए खासकर या नहीं ताकि स्कूल से ही अवेयर किया जा सके बच्चों को तो आप लोग बताइए The हाँ the हाँ the हाँ the हाँ तो कैसे हो दोस्तों कि जब तक अपना टारगेट अचीव ना कर लो तब तक जोश लो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है अगर हो भी जाए तो फिर से हाई करना है उसको ठीक है क्योंकि ये एक पैटर्न है जो कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कोई भी पत्थर का इंसान नहीं होता है जोश नीचे जाता है तो फिर उसको हाई करना भी सीखो इसी के साथ में आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है ये सोचा कि क्या क्या आज आप लोग करने वाले उसकी लिस्ट बना ली या फिर आंख रगड़ कर ऐसे ही आके बैठ गए हो आंखें खोल लें बस हाँ वीडियो आ गई होगी चलो देख लेते हैं पूरा टू डू लिस्ट जो है वो आप लोगों के पास में होना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों को करना है उसके बाद में आप लोगों को अपना दिन स्टार्ट करना चाहिए और कौन कौन ऐसा है जो कि गुनगुना पानी फीक रहा है दो से ढाई गिलास और इतने कौन से ऐसे भी फैमिली मेम्बर है जिसने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिए बताना जरूर क्योंकि कई सारे बच्चे रेगुलर बता रहे हैं मुझे पता चलता रहता है कि अच्छा ये फिट होंगे ठीक है जैसे जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर हाँ आंसर देते हो आप लोग पार्टिसिपेट करते तो हो तो बहुतों के मुझे नाम पता चल गए हैं कि अच्छा ये वो है जो डेली एक्सरसाइज करते हैं ये वो है जो डेली पानी पी के आते हैं ये वो है जो डेली अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं तो मैं भी आप लोगों के साथ में और अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूँ क्योंकि इसके अलावा कोई कनेक्शन का आप लोगों के साथ में मेरे पास में कोई तरीका ही नहीं है आप लोग अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो व्यूज को देख के थोड़ी ना पता लगाया जा सकता है कल की वीडियो जो है नब्बे हजार ने या फिर एक लाख लोगों ने देख ली तो उन नब्बे हजार में से जिसने नीचे कमेंट करके मेरे से बातें की हैं उसी का नाम मुझे पता रहता है अच्छा इसने कुछ कुछ ऐसा किया है वरना वो तो व्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं बस तो इसलिए कहता हूँ कि अपने बारे में थोड़ा बताया भी करो ठीक है कि किस तरीके की चीजों को लेकर आप लोग चल रहे हो बहुत शानदार आज का ये डिस्कशन जिसको के बोलते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस और बड़े ही प्यार से हम लोग इसको डाइट बोलते हैं इस बैलेंस डाइट के अंदर इतनी सारी चीजें मैं कवर करता हूं जो कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मोर देन सफिसियंट है अगर इसको रेगुलरली बिना रुके आप लोग फॉलो करते आ रहे हो तो क्योंकि इसमें आंसर राइटिंग भी है इसमें आप लोगों की जो बेसिकली एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे टफ वाले भी और आसान वाले भी आप लोगों को यहाँ पर बड़े आर्टिकल भी छोटे आर्टिकल भी और वन लाइनर भी देखने को मिलेंगे पर्सन इन न्यूज़ भी देखने को मिलेगा प्लेस इन न्यूज भी देखने को मिलेगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा और इसी के साथ में बहुत सारी ऐसी बैकग्राउंड और स्टेटिक इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आप लोगों के जो स्टेटिक पोर्सन को भी साथ में कवर करती हुई चलेगी तो अच्छे से लेक्चर को एंड तक इन्जॉय करना है और अगर एंड तक आप लोग टिक पाते हैं इस लेक्चर के साथ में तो आप लोग ये समझिएगा कि बहुत सारे लोगों से आप लोग वैसे आगे निकल गए ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं रीजन क्या है उसका रीजन यहां पर है <laughs> बोला गया है कि सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता है है कि नहीं पढ़ने का मन ही नहीं करता है कौन कह रहा है भाई साहब वही बोल दो खेलने जाना है टीवी देखना है मूवी देखना है जो एकदम आप लोगों के जो एक तरीके से ना बॉडी में से वो कि एक तरीके से एनर्जी निकल कर आएगी उस काम को करने के लिए वो अलग ही लेवल की रहेगी भाई पर लेकिन अगर बोल दे आप लोग को चल पढ़ लेते हैं अब यार पढ़ना भी पड़ेगा वीडियो देख लेते हैं अरे यार वीडियो आगे देखनी पड़ेगी कितने ऐसे लोग हैं जिनमें से जिनको लगता है वाओ यार वीडियो आगे चलो वीडियो देखते हैं आज कुछ नया सीखने को मिलेगा ऐसा है कुछ फील तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को लेकर आनी पड़ेगी अगर वो वाली फीलिंग जनरेट नहीं हो रही है तो आप लोग कम से कम उसको रेगुलर देखो और उस चीज़ों से जैसे सीखने लगेगे ना तो फीलिंग आराम आराम से आने लगेगी क्योंकि अगर चीजें आप लोग एक पैटर्न में लेकर आओगे तो वहां से आप लोगों की फीलिंग जो है वो बढ़नी स्टार्ट होती है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर होती है फीलिंग अभी आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और ये मुझे इसलिए भी शेयर करना है क्योंकि ये एक इंसान की आदत नहीं है बहुत सारे इंसानों को आदत देखने को मिलती है आलोक ने बोला यहाँ पर पब्लिकली ये कमेंट लिखा है बोला कि सर बहुत बड़ी पोला मैं एक नशे एक नशा करता हूँ और उसकी आदत पड़ी हुई है पर लेकिन छूट नहीं पा रही है चीज़ें देखो यहाँ पर ना यार एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है अगर इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो किसी भी चीज़ की आदत यहाँ पर नशे की आदत है कभी कभी कई सारे इंसानों की आदत लग जाती है कभी कभी बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कुछ खाने पीने की आदत लग जाती है तो वो सारी जो आदतें होती हैं ना वो चाहे शराब के छोड़ने की हो चाहे कोई और चीजें हो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर जो उसको करने के बाद में आप लोगों को जो इंजॉयमेंट आता है वो जो फील होती है कि वाह यार मजा आ गया उस फीलिंग से अपने माइंड को डिटैच करना पड़ेगा मतलब मन कहता है कि हां चलो कर लेते हैं तो करने के बाद में जो फीलिंग आती है वो फीलिंग आप लोग इंजॉय करते हो इसीलिए उस काम को फिर से करने चले जाते हो अगर उस फीलिंग पर आप लोग रोक लगाना सीख गए तो फिर वो चीजें आप लोग एक तरीके से उसको रोक पाओगे और वो कैसे होगा वो होगा कि अपने माइंड को किसी और चीज में बिजी करना स्टार्ट कर दो जो आप लोगों को उतना ही मजा देती है जितना कि ये चीज दे रही है फिर उससे थोड़ा कम भी दे पर लेकिन आप आप लोग अपने को करना स्टार्ट कर दो ठीक है और जब तक आप लोग शराब को पीने में मजा आ रहा है वो चीज सोचोगे या सिगरेट बीडी पीने में मजा आ रहा है वो चीज सोचोगे तब तक वो चीज आप लोग कभी कम ही नहीं कर पाओगे एक बच्चा कह रहा है सर शेड्यूल फॉलो करने का जब भी बात करता हूं नींद आने लगती है नींद आने लगती है ये तुम खुद मुझे बता रहे हो इसका मतलब तुम सोच रहे हो कि जब भी मैं ये काम करता हूं या करती हूं मुझे नींद आने लगती है तो ये बड़ा ही नेचुरल सी चीज है आप लोग उस चीज के बारे में ही सोच रहे हो जो चीज आप लोग नहीं चाहते हो आप लोग ऐसे सोचो ना जब शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट करता हो जिंदगी जीने में मजा आने लगता है डिसिप्लिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं तो भाई साहब क्या मजा आता है सारी चीज काम टाइम पर हो जाते हैं वो चीज सोचना स्टार्ट करो आप लोग जो चीज नहीं चाह रहे हो वही चीज सोच रहे हो उसी चीज को आप लोग रेगुलरली रिपीट कर रहे हो सोचने का प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा और वो बात आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी यथा दृष्टि तथा तो सृष्टि इस चीज के साथ में इतने इंजॉयमेंट आप लोगों ने लगा दिए हैं कि हां शराब पीने में ये मजा आता है शराब पीने में गम भूल जाते हैं शराब या बीड़ी पीने से सिगरेट पीने से एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं उसके नेगेटिव जोड़ना स्टार्ट कर दो ना कि ये ये पीने से ये चीजें खराब होती हैं और ना पीने से क्या क्या फायदा होगा और उन फायदों को डेली पढ़ना स्टार्ट करो तो आप लोगों का माइंड जो है उस चीज़ को अपोज करने लगेगा और जो लोग वो काम कर रहे हैं ना उससे दूर हट जाओ यानी कि शराब पी रहे हैं बी पी रहे हैं सिगरेट पी रहे हैं तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग खुद अपना नेचर चेंज होते हुए पाओगे है कि नहीं अगर आप लोग इस चीज को सहमत हो तो जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करना और स्टार्टिंग में मन नहीं करेगा क्योंकि ये चीज़ बोरिंग है आप लोग एक ऐसी चीज को छोड़ो जिसमें मजा ले रहे थे अब तक तो उसको पहले आप लोगों को सुधारना पड़ेगा और इसमें एफर्ट लगेगा और अगर एफर्ट नहीं लगता तो हर एक शराब पीने वाला बीडी सिगरेट पीने वाला इंसान अब तक तो उसको छोड़ चुका होता तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी आई होप कि ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होगी ठीक है तो अच्छे से चीजों को समझो और उसको इंप्लीमेंट करो क्योंकि स्टार्ट करने वाले भी तुम्हें थे यार किसी और ने स्टार्ट नहीं किया है और छोड़ने वाले भी तुम ही होंगे कोई और नहीं है तो जब स्टार्ट कर सकते हो इतनी आसानी से तो छोड़ क्यों नहीं सकते अपने ऊपर थोड़ा सा तो ट्रस्ट करो जब इन स्टार्ट इतनी आसानी से हो गया तो छोड़ने भी बोलो कि बड़ी आसान है यार अभी छोड़ दूंगा पर लेकिन टफ बना लिया कि छोड़ ही नहीं पा रहा हूं ग्रेविटी इतनी ज्यादा कर दी है कि भाई साहब ये रिलेशनशिप ऐसी हो गई इसमें से निकल ही नहीं पा रहा हूं और ये बर्बाद किए जा रही है मुझे ठीक है सामने वाला इंसान धोखे पे धोखा दिया जा रहा है और उसी में फंसे हुए हैं तो वो वाली चीज आप लोग ये बोलो ना कि इंसान नहीं रहेगा तो भाई साहब जिंदगी तब भी चल रही है मेरी और चलती रहेगी ये शराब सिगरेट दारू नहीं रहेगी जिंदगी तब भी चलेगी और बेहतर चलेगी तो टॉक्सिक चीजों से दूर रखने की कोशिश करो अपनी जिंदगी को अगर लाइफ में प्रोडक्टिविटी जाते हो तो ठीक है शानदार इंसान है जिंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हो बताइए कौन है ये और अभी रिसेंटली ट्विटर की डील को लेकर बहुत ज्यादा न्यूज में भी है तो इनके नाम आप लोगों को बताना है कोई भी ऐसी चीज है जो इस इंसान से आप लोग सीखना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना देखता हूं ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोग इससे छीनना चाहते हो ठीक है अपनी ही आप में इतनी बड़ी बात है ये एक सेंटेंस में जिसने डिफाइन कर दी वो भी कोई बड़ा ही आदमी है मतलब साहब के द्वारा यहां पर बात बोली गई है जो भी आप लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है ना वो स्कूल में जो बातें पढ़ती हैं एजुकेशन को आप लोग लेते हो बेसिकली पास होने के लिए वो सब चीजों के लिए तो उसको भूल जाने के बाद भी जो आप पास में बचा रहता है ना रियलिटी में वो है शिक्षा यानी कि आप लोग एक तरीके से अपने आसपास के लोगों को कैसे ट्रीट करते हो सोसाइटी में कैसे रहते हो अपने बारे में और दूसरों के बारे में कितना किस तरीके की चीज़ें सोचते हो अपने इन्वॉर्मेंट के बारे में कैसा सोचते हो जीव जंतु के बारे में कैसे सोचते हो तो ये सारी चीज़ें जो इंसान के अंदर बची रह जाती है बड़ों का रेस्पेक्ट करना किसी को चीज़ों को हर्ट न करना अपने काम पर फोकस करना फालतू की तेरे चिड़ किसी के साथ में चिड़ना या फिर उनमें चीज़ों में न घुसना उससे जितना डिस्टेंस बना लोगे उतना ही अच्छा है मुझे जिस इंसान से लगता है कि वो इंसान मुझे इरिटेट कर रहा है ज़िंदगी में मैं उस इंसान से बिल्कुल नाता कट कर देता हूँ किसी भी तरीके से उसके साथ में रिलेशन नहीं रखता हूं कोशिश करता हूं कि उससे डिस्टेंस बना के रखी जाए क्योंकि यार उसका नेचर है वो उसको करेगा ही करेगा पर उसकी वजह से मैं अपना आपको इंपैक्ट क्यों करूँ तो ये चीजें आप लोग अपनी जिंदगी में भी कर सकते हैं ये नहीं कि मैं उसे चिड़ रहा हूँ कि मतलब वो जिंदगी में और वो धरती पर ही उसको मार दूं ऐसा कुछ नहीं है उसकी जिंदगी उसको उसमें कुछ करने दो ना वो जो कर रहा है वो खुद खामियाजा भुगतेगा उसका जो भी अच्छा करेगा फिर बुरा करेगा उसकी जिंदगी उसकी लाइफ पर इंपैक्ट डालेगा पर उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ खराब करने बैठ जाऊँ तो ये कहाँ की एक तरीके समझदारी है तो हमेशा उस इंसान से जिंदगी में कट ऑफ हो जाओ जो, जो इंसान आप लोगों को फालतू में बिना बातों के इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आप लोगों के माइंड में पीस आएगा और अपने काम पर आप लोग फोकस कर पाओगे तो वो है रियलिटी में एजुकेशन जो आप लोगों को सवरना सिखाती है कि कैसे इन सिचुएशन से बाहर निकलना है तो एजुकेशन के बारे में ये आप लोगों से कल लोगो को क्वेश्चन भी पूछ ले जाए ऐसे आ जाए एथिक्स का क्वेश्चन आ जाए जो कि यहां से पूछे गए अभी तो आइंस्टीन साहब के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई हैं ठीक है एक बच्चा बोला था कि सर जो ये मेंस की कोटेशन वगैरह इनको बाद में डिस्कस किया करो जबकि लेक्चर जो है बेसिकली या फिर जब मेंस का पोर्शन खत्म होता है मोटा मोटा उसके बाद में डिस्कस कर लिया करो तो बताना अगर आप लोगों को लग रहा है स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं करना है तो बाद में कर लो क्योंकि मोड, मोटिवेशन कोड स्टार्टिंग में हो जाती है ये वाली भी थोड़ी सी मोटिवेशन देती है तो जाते जाते एक और मोटिवेशन कोटेशन हो जाएगी <laughs> तो जैसा भी बोलो यार मुझे कोई इशू नहीं है आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लगता है बता देना उसी तरीके से अपनी गड्डी मोड़ देंगे ठीक है आप लोगों को अच्छा फील होना चाहिए बस वो चीज़ आप लोगों को इंजॉय करना है ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है जरा सी भी ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं एक एक चीज जो है बहुत डिटेल में देखूंगा क्वेश्चन को अच्छे से जो टॉपिक को अच्छे से सुनिएगा टकटकी लगाकर और फिर उसका आंसर आप लोगों को देना है बड़े ही डिटेल में और फीडबैक जरूर दे देना वीडियो जैसी भी लगती है अपना प्यार आप लोग दिखा सकते हैं वीडियो को लाइक डिसलाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपना बेसिकली जो भी आप लोगों ने सीखा उसको रिकॉल जरूर कर लिया करो एक बार कि हाँ ये सीखा आज लंबे समय तक चीजें याद रख पाओगे ओके इंटरेस्टिंग न्यूज है आप लोगों को पता होना चाहिए कल को क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा और खासकर जब ऐसी न्यूज आती है आप लोगों को यहां पर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा न्यूज के बारे में भी और इसी के साथ में आप लोगों को लोगो याद होगा हमारे देश में अभी टाइगर के बात चल रही है टाइगर रीलोकेशन प्रोग्राम इसी के साथ में टाइगर इन रिजर्व एरिया तो इसको एक्सप्लेन करना है ठीक है तो यहां पर अभी बाघ लिखा हुआ है टाइगर लिखा हुआ है अगर यहां पर बाघ की जगह हटाकर कल को आप लोगों के सामने यहां पर लिख दिया जाए किसके बारे में यहाँ पर लिख दिया जाए किसी पर्टिकुलर दूसरे एनिमल के बारे में और ये एनिमल क्या है यहाँ पर ये जानवर आप लोगों को देखने को मिलेगा थोड़ा सा अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो भी है आप लोगों के लिए जिसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर तो इसी के बारे में अभी मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ तो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से तो कन्फ्यूज आना आप लोगों को यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर इसके चलते आप लोगों को ये पिक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर ये यहाँ पर जो पिक्चर के अंदर में बाहुबली मूवी में ये आप लोगों ने देखा है ठीक है तो यहीं से ही ये बेसिकली आप लोग इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं तो इंडियन बिसन या फिर इसको गोर भी आप लोग बोल सकते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर में नॉर्मली अगर देखा जाए इसके बारे में जो बेसिक बातें करूंगा कहां, -कहां पर यह पाया जाता है अगर देखा जाए ठीक है तो काफी लार्ज स्केल पर यह वेस्टर्न घाट में आप लोग को देखने को मिलेगा वैसे नगर होल नेशनल पार्क बंदीपुर नेशनल पार्क और भी कई जगह यहां पर देखने को मिलते हैं यहां पर ये लगभग ये माना जाता है कि टोटल मिलाकर तेरह हजार से लेकर तीस हजार तक है दुनिया में इनकी संख्या पर लेकिन मैक्सिमम उसमें से पिचासी प्रतिशत जो संख्या है वो अकेले देश हमारे अंदर देखने को मिलेगी ठीक है तो ऐसे ही जैसे आप लोग टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो उसी तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं ठीक है तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो इनकी संख्या जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा देखने को मिलती है और यहां पर इसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन जब इंडिया के द्वारा लगाया गया नीलगिरी एरिया में तो फर्स्ट यहां पर इसका अभी पॉपुलेशन एस्टिमेशन यहां पर लगाया गया तो 2000 के करीब यहां पर ये आप लोग को इस पर्टिकुलर एरिया में भी देखने को मिले वैसे साउथ और साउथ एशिया रीजन में यहां पर ये पाए जाते हैं पर लेकिन अगर पूछें जो ये एक तरीके से स्पीसीज के बारे में तो एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर चीज़ें जो है वो खत्म भी होती ही नजर आती हैं तो इसलिए जरूरी है उसके ऊपर फोकस रखा जा सके हमारे देश के अलावा ये आप लोग को बर्मा और यहाँ पर कहाँ पर बेसिकली थाईलैंड के अंदर भी देखने को मिलेंगे तो ये आप लोग याद रखेगा यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं इनका आयुसी स्टेटस क्या है तो वन की कैटेगरी में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है खासकर जहां पर ये पाए जाते हैं जैसे कि डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए तो काटे जा रहे हैं तो वहां पर इनकी दिक्कत भी बढ़ती जा रही है हिमालयन रीजन में नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है तो दे आर नॉट फाउंड इन द हिमालयन रीजन तो नॉर्मली फुट हिल एरिया में जो ज्यादा आप लोगों को को देखने मिलते हैं हिमालय के तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है अभी श्रीलंका यहां पर इसको हमसे मांग रहा है तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो कल को क्वेश्चन पूछा जाए तो पता होना चाहिए इंडियन बेसन या फिर गोर के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने बोला गया कि अप्रोक्सिमेटली मोर देन टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन जो है प्रेजेंट है इंडिया के अंदर में पहली स्टेटमेंट दूसरा बोला है कि ये जनरली कहती है फुट ओनली ठीक है तीसरा बोला गया कि दे आर फाउंड इन द हिमालयन हिमालय एल्टीट्यूड ग्रेटर देन फीट सही आंसर यहां पर क्या है अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो नोट फाउंड लिखवाए यहां पर याद रखिएगा ठीक है तो इस सारी की सारी स्टेटमेंट अभी आप लोगों यहां पर बताइए तो सही आंसर क्या है सही आंसर यहां पर सी यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है बाकी यहां पर ये इस तरीके की चीजें आप लोगों को हल्का सा तो आइडिया होना चाहिए पड़ोसी देश श्रीलंका तो वहां पर उसको मांगा जा रहा है तो इसके चलते क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ठीक है तो बेसिक है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन सकता है जब कोई ऐसी इंटरनेशनल लेवल की बात हमारे देश में देखने को मिले तो गर्व की बात होती है तो इंटरपोल जनरल असेंबली की जो मीटिंग है वो न्यू डेहली में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली तो इसके चलते क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है तो न्यू डेहली इंडिया के अंदर में नाइनटीथ जनरल असेंबली की मीटिंग यहां पर इंटरपोल की आप लोगों को हाँ देखने को मिली तो इसके चलते जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्शन है जीएस टू के अंदर में वो काफी इंपोर्टेंट हो जाता है सबसे पहले तो जिसको नहीं पता इंटरपोल क्या है कि भाई साहब सुनने में पता नहीं कहां से आ गया इंटरपोल बोल तो ये क्या है तो इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं काम क्या है इसका इसका काम ऐसा है कि जैसे हमारे देश में से कोई बदतमीजी करके हमारा पैसा बेसिकली चोरी करके या फिर हमारे देश में किसी इंसान की बेसिकली मर्डर करके किसी भी तरीके से यहाँ से निकला और वो इंसान जो है वो जाकर छुप गया कहीं पर भी यहाँ पर मान लीजिए कहाँ पर पहुंच गया वो पहुंच गया नॉर्वे के अंदर में ठीक है तो वो इंसान यहाँ पर पहुंच गया तो हमारी कंट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यहाँ पर हमारी कंट्री में सी बी आई यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करेगी इंटरपोल के साथ मिलकर तो वो इंटरपोल से कॉन्टेक्ट करेगी कि यार ऐसा कुछ हो रहा है तो इंटरपोल फिर यहां पर उस मुद्दे को आगे लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो इसकी मीटिंग अभी हमारे यहां पर देखने को मिल रही है तो दिल्ली में फोर डेज आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है और सेकंड टाइम है यहां पर 1997 में यहां पर 195 मेंबर जो थे यहां पर हमारी कंट्री के अंदर में गैदार हुए थे

तो इस तरीके से ये टोटल मिलाकर अलग अलग नोटिस है जो यहां पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए तो आठ ऐसे नोटिस हैं जो इस तरीके ये करता हुआ यहां पर नजर आता है इंटरपोल तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा अगर बात करें इंटरपोल के बारे में तो यहां पर आप लोगों से कोई क्वेश्चन ही पूछे कि व्हाट इज इंटरपोल एक्सप्लेन द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल और क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन तो इस तरीके से यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जरूर सोचेगा अगर क्वेश्चन भी इस तरीके से बनने लगे ठीक है बात की जाए तो 1923 में यहां पर यह बनाया गया था ताकि शेयर की जा सके इंफॉर्मेशन कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो एक देश से दूसरे देश से भाग गया तो हमारी देश की तो उसके ऊपर बेसिकली जो जो हमारे देश के कानून अब तो लगने के नहीं उसके ऊपर में क्योंकि भाग गया निकल निकलकर तो अब कैसे काम चलेगा तो उसमें एक तरीके से लिंक बनाने का काम करता है इंटरपोल ठीक है तो इसको यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग ये बिल्कुल की शादी करवाने के लिए बिचौलिया आता है तो ये बिचौलिया है? को, को मिलेगा तो क्या गारंटी है वो दूसरे देश में जाकर क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेगा तो उसके चलते म्यूचुअली यहाँ पर मिलकर ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो उसके चलते इसके बारे में याद रखेगा ठीक है हाउ इज इंटरपोल ऑर्गेनाइज तो ये आप लोग देखते हैं तो इलेक्शन होते हैं जनरल असेंबली इंटरपोल के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो वन ऑफ द मेंबर्स यहां पर निकल कर आते हैं और होल्ड करते हैं ऑफिस चार साल के लिए डे टू डे एक्टिविटी जो है वो यहां पर जो फुल टाइम सेक्रेटरी यहां पर आप लोग इसके देखते हैं जो जनरल असेंबली से ही निकल कर आते हैं और वो पांच साल के लिए चुने जाते हैं ठीक है तो यहां पर प्रेसिडेंट और यहां पर जनरल सेक्रेटरी जो कि डे बाई डे की, की चीजें देखते हैं इसी के साथ में जनरल असेंबली जो है उसकी जो बात करें यहां पर जो भी यहां पर पॉलिसीज वगैरह बनती है तो सेक्रेटरीट जो रहता है वो यहां पर एग्जीक्यूट करता हुआ नजर आता है अगर बात करें सारी कंट्री में से यहाँ पर कोई ना कोई बॉडी रिप्रेजेंट करती है सबकी कोई ना कोई बॉडी है तो इसी तरीके से हमारी बॉडी है सीबीआई वो यहां पर रिप्रेजेंट करती है इंडिया को तो इंटरपोल में हमारी कौन सी बॉडी है जो हमको रिप्रेजेंट करती है वह सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं ठीक है ठेके? कुछ और एक स्लाइड यहां पर डाल दी गई है देखिए कई सारे ना आप पीपीटी आप लोग जाकर देखते हो जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते हो टेलीग्राम के ऊपर से जाकर सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती हैं तो यहां से आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी पीडीएफ में कई सारी ऐसी भी चीजें रहती हैं जो नॉर्मली कई बार क्या रहता है कि मैं एक्स्ट्रा चीज डाल देता हूं आप लोग पढ़ोगे रिविजन करोगे तो आप लोग वहां से देख सकते हैं कल यहां पर कुछ चीजें शेयर की गई एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं कल को अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो सारी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर ठीक है तो इसको आप लोग देख लेना यहाँ पर ये डाल दिया था यहां पर ये आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उनको देख लिया करो केशवानंद भारती का बेसिक स्ट्रक्चर वाला लेक्चर डाला था पोलिटिक अगर आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेली यहां पर लेक्चर डाले जा रहे हैं अगर रियलिटी में आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो लेक्चर को देखा करो जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उनके आंसर दे दिया करो ठीक है इससे आप लोग चीजें भूलोगे नहीं और जो भी लेक्चर देख लेते हो उसके नीचे डन लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों ने देख लिया है आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर आंसर राइटिंग देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे जो है रेगुलर शानदार तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप लोग भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं एटलीस्ट दो आंसर या तीन आंसर आप लोग जरूर पढ़ लो एक बार को तो उससे आप लोग चीजें भूलोगे नहीं और लंबे समय तक याद रख पाओगे ठीक है देखिए अगर कोई नहीं लिख रहा है तो कम से कम पढ़ तो लो आंसर ताकि आप लोग चीजों को समझ सको कोई अपना ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है तो वो भी आंसर पोस्ट कर सकते हैं ठीक है तो ये याद जरूर रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछ ले यहां से पर्पल ऑरेंज ब्लैक या येलो इंटरपोल के जो नोटिस है इसका मतलब क्या है तो कौन सा पेयर करेक्ट है ऐसा बड़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है तो सही आंसर क्या यहां पर सही आंसर है बी इनको एक बार मैच कर लेना सारे के सारे यहां पर दे रखे हैं तो करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने है देखता हूं इसको एक बार जाकर जरूर देखेगा ठीक है बाकी बात है करें इंटरपोल के बारे में तो बोथ प्रेसिडेंट और जो सेक्रेटरी जनरल है वो इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली से पहली स्टेटमेंट है यहां पर Both और सेक्रेटरी इंटरपोल के होल्ड करते हैं है, जनरल है, करती है पॉलिसी एंड द एग्जीक्यूशन बाई इट सेक्रेटरी इन करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को यहां पर बतानी है तो इन करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है अभी यहां पर बड़ी आसानी से मैंने आप लोगों को बताया था तो देखता हूं कौन कौन चूज कर पाते हैं वीडियो को पोज कर ले यार एक बार एक सेकंड लगती है तो पोज कर, कर आंसर देख तो आंसर क्या सही आंसर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर ए क्यों क्योंकि अभी बताया मैंने एक चार साल के लिए दूसरा पांच साल के लिए ठीक है तो कंफ्यूजन नहीं होना है बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो आंसर यहां पर इसका ए हो गया तो ऐसे क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों से कल को पूछ ले तो आप लोग उसके लिए रेडी रहना है और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं और थोड़ा सा अगर लिख लोगे ना किसी चीज के बारे में तो आप लोग उसको लंबे समय तक याद रखोगे कॉपी पेन लेकर बैठ जाकर जब पढ़ते हो तो आप लोग चीजें बहुत सारी चीजें याद भी रख पाओगे छोटी छोटी बात हैं, पर यार ये है पर ऐसी आप लोगों से पूछे जाते हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसके ऊपर तो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा एक छोटा सा क्वेश्चन लगा रखा है जो कि लास्ट में सेक्शन होता है ना जो इसमें शॉर्ट न्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूं उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है ठीक है तो आप लोग एक क्वेश्चन तैयार हो गया से तो आप लोग उसका आंसर अब आप लोग अच्छे से दे पाएंगे ओके तो वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया करो और तभी आंसर देखा करो और इसी के साथ में जो वीकेंड में टेस्ट हुआ था वो कौन कौन देख चुका है पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसको जरूर देखा करो अगर सीरियस तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ओके ये जो आर्टिकल जब मैं पढ़ रहा था पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से एकदम वो मूवी नहीं थी मांझी मूवी कहता है कि बहुत गर्मी है तेरे अंदर बहुत बड़ा है तू देख कैसे निकालते हैं तेरा ये का तो उसमें वो पत्थर फेंकता है तो फिर वो है जो उसके पहाड़ के ऊपर आग लग जाती है तो यहां पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं जियो थर्मल एनर्जी के बारे में यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है और इंसान इतने समझदार हो गए कि उस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए तो यहां पर इसी के चलते अभी हमारे देश के अंदर में इंडिया का फर्स्ट जियो एनर्जी जो यहां पर प्लांट है वो लद्दाख के अंदर लगाया जा रहा है और कौन लगा रहा है इसको लगा रहा है ओ तो बहुत ही बेहतरीन और इमदा तरीके का ये आर्टिकल बन जाता है क्योंकि एक तो पहली बार हो रहा है ऐसा कुछ हमारे देश में प्रॉपर वे में और इसका साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक नेचुरल है जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उसके अंदर से एनर्जी निकलती रहेगी तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स भी है यानी कि वो खत्म नहीं होने वाली है वो तो निकलेगी ही निकलेगी अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों को कितना इस्तेमाल करना है जैसे इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप लोगों ने सुना होगा अक्सर पानी चलता है तो पानी चलता है तो टर्बाइन जो है वो घूमता है और टर्बाइन घूमने की वजह से फिर आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पैदा होती है ठीक है तो ये पूरा पैटर्न आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है वहां पर पानी से चलता है पर लेकिन यहाँ पर क्या चलेगा आप लोग देखते हैं ये यहाँ पर धरती के नीचे से इस तरीके से प्रॉपर एक गैस निकल रही है जियो एनर्जी अगर बात करें यहां से टर्बाइन को घुमा रहा है और यहाँ पर फिर आगे टर्बाइन घूमकर वो बिजली को जनरेट कर रहा है तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है एक क्वेश्चन में आप लोगों से यहां से पूछना चाहूंगा आप लोगों ने अक्सर इसके बारे में देखा भी होगा जनरल साइंस के अंदर बड़ा ही प्यारा सा पिद्दी सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार और आप लोग इसमें फिर कंफ्यूज हो जा जाते हैं कि यार ये क्या हो गया तो इसके बारे में याद रखिएगा जब विंड टर्बाइन घूमता है या फिर कोई भी टर्बाइन इस तरीके से घूमता है तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है तो वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी में यहां पर कन्वर्ट हो जाती है सुना है ना ये कई बार आप लोगों ने पर वो काम जो पानी करते हैं उसको ट्रमाइन को घुमाने का यहाँ पर ये यह हीट करती है तो जो हीट निकल कर आती है यहाँ पर तो ये हीट इसको घुमाती है और इसके बेस पर जो है वो एनर्जी जनरेट होती है हीट कहां से निकलती है ये आप लोगों को पृथ्वी के नीचे से हीट निकलती हुई नजर आएगी इस तरीके से आप लोगों ने सुना होगा सुना कि आप लोगों ने एनसीआरटी में पढ़ा होगा बड़ा ही बेसिक सा है कि पृथ्वी के अंदर में आप लोगों को कई सारी प्रत देखने को मिलती है वो जो प्रत होती है उनके अंदर आप लोगों ने सुना होगा लावा मैग्मा सुना है ना ये सारे जब ज्वालामुखी फटता है तो अगर हम लोग उन एरिया में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें जहां पर काफी आराम आराम से इस तरीके से एनर्जी निकलती है तो एक पूरा सिस्टम उसके ऊपर क्रिएट कर देते हैं इस तरीके का ठीक है हालांकि ये आसान नहीं होता है ये एक तरीके से काफी टफ होता है पूरा प्रोसीजर पर फिर भी फायदा इससे होता है कि उस एरिया में हम लोगों को अलग से खंभे बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोगों को नीचे से बिजली लेकर जानी है सोचो अब लद्दाख वाले रीजन में वहां पर उन लोगों के लिए एनर्जी जनरेट कर पाएंगे आराम से पहली इंपॉर्टेंट बात हमारी आर्मी के लिए जो नॉर्मली लद्दाख वाले रीजन में रहती है वहां पर डीजल से जनरेटर वगैरह चलाए जाते थे ठीक है तो अब वहां पर वो भी, भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा तो पोल्यूशन भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये जो एनर्जी का जो सोर्स है ये काफी अच्छा है यहाँ पर इसके चलते यहाँ पर अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें से जो हीट निकलती है उसमें से जो स्टीम निकलती है टर्बाइन उससे रोटेट होते हैं और जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो ये पूरा देखने को मिलेगा और इसी के साथ में जो वोटर होता है वो इंजेक्ट किया जाता है बैक टू द ग्राउंड रीजन क्या रहता है उसका उसका रीजन रहता है जो भी चीजें निकल रही है वहां पर एक वैक्यूम जो क्रिएट होता है उसको थोड़ा फिल किया जा सके तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ये इस तरीके से बड़ी ही एक सिस्टेमेटिक वे में हमारे देश में जब ये चीजें लगाई जा रही है तो काफी फायदा अभी का आने वाले टाइम में आप लोगों को नजर आएगा तो ये जो टॉपिक है आप लोग यहां पर के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसी के साथ में एनर्जी या फिर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग इसको देखकर चलते हैं तो आप लोग इसको जीएस पेपर थ्री के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो दोनों ही आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये बन जाते हैं टॉपिक तो कौन इंप्लीमेंट कर रहे हैं ओ यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कोपरेशन जो कि इसकी फुल फॉर्म है कहां पर लद्दाख के अंदर में जो कि अभी रिसेंटली नई नई ताजी ताजी एक यूनियन टेरिटरी बनी है ओ किसके साथ है, मिलकर काम कर रही है जो अभी नई यूनियन टेरिटरी बनी है उसके साथ में एक एमओयू साइन किया जा रहा है यहाँ पर जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड इसी के साथ में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो आप लोगों को देखने को मिलेगी तो इसमें यहाँ पर लेह के अंदर में तो लेह और लद्दाख वाला जो रीजन है यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है तो इस तरीके से हम लोग प्लांट सेटअप कर रहे हैं ये एक पर्टिकुलर स्पेशल रीजन में है वो स्पेशल रीजन क्या है ये है पूगा वैली तो पूगा वैली अगर आप लोगों से पूछ ले कोई कहां पर पूगा वैली कहां पर आ रही है तो ये नॉर्मल सी बात है आप लोगों को लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगी ठीक है तो इस तरीके से भी आप लोगों का एक ज्योग्राफी का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने तैयार हो गया अब इसी स्लाइड से देखिए आप लोगों के लिए कितने प्यारे प्यारे इंपोर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आ रहे हैं जैसे कि पूगा वैली सिचुएटेड इन पर बात की जा रही है किसमें चंथांग वैली ठीक है तो पूगा वैली कहां पर है चंथांग वैली में इसका मतलब चंथांग वैली भी कहां पर है लद्दाख के अंदर में और ये किसके पास में बाईस किलोमीटर लगभग यहां पर सोल्ट लेक वैली भी आप लोगों को देखने को मिलती है तो पूगा वैली चंथांग वैली और सोल्ट लेक वैली तो ये तीन पॉइंट आप लोगों के लिए यहां पर इंपोर्टेंट हो जाते हैं ठीक है जो कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं नेचुरल ब्यूटी जियोथर्मल जो है यहाँ पर एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है तो ये काफी सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए और एनर्जी देखिए अगर निकाल पा रहे हैं उसको ढंग से ट्रैप कर पा रहे हैं आप लोग ये सोचिए जैसे आप लोग एक यंग जनरेशन होती है एक नव युवक आप लोग होते हैं तो आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को अगर आप लोग ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे तो काफी सारी चीजें आप लोग लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं दो बच्चे हैं सेम एज के मान लीजिए उनकी एज जो है वो सोलह सोलह साल है या फिर अठारह अठारह साल है दोनों के दोनों बच्चे एक बच्चा ऐसा है जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है कहीं वीडियो गेम खेल रहा है कभी किसी लड़की को ताड़ रहा है इधर उधर जाकर अपना इधर उधर टाइम वेस्ट करता घूम रहा है जितना वो कर सकता है एक बच्चा ऐसा है जो बैठकर प्रॉपर वे में अपने शेड्यूल बनाकर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है उसके बाद में अपना ढंग से अपनी पढ़ाई को अंजाम देता है और शाम को बैठकर एक बार रिव्यू करता है क्या क्या मैंने आज प्रोडक्टिव किया है अगर दोनों बच्चे एक पैटर्न में आगे बढ़ते रहेंगे ना तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी स्टार्टिंग में भले ही एक जैसे हो तो कुछ समय बाद आप लोगों को पांच सात साल बाद यहां पर इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ जाएगा उदाहरण के तौर पर बोलूं तो इंडिया और पाकिस्तान आप लोग देख सकते हैं यानी कि इंडिया जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में आगे चला अपनी आजादी के बाद में पाकिस्तान भी साथ में आजाद हुआ वो एक अलग पैटर्न में चलना स्टार्ट हो गया और आज देख सकते हैं कि इंडिया कहां पहुंच गया और पाकिस्तान जो है वो कहां रह गया ये लोगों की गलती नहीं है यहां पर यहां पर स्टेब्लिशमेंट जो है यहां पर जो कि गवर्नमेंट है सारी उसकी गलती है क्योंकि उसने कभी भी लोगों के ऊपर फोकस दिया ही नहीं है लोगों के ऊपर फोकस देने का मतलब क्या होता है एजुकेशन के ऊपर फोकस देना इसी के साथ में यहाँ पर इसी के साथ में हेल्थ के ऊपर फोकस देना अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस देना उनका पूरा फोकस ये रहा है कि कैसे इंडिया को पीछे छोड़ना है उसके पीछे लगे रहे सारा तो यानी कि जहां पर फोकस देना था वहां पर फोकस नहीं दिया तो इसलिए इंसान जो है अपने आप ही पीछे छुट गया तो कभी किसी के पीछे अगर आप लोग कभी किसी के पीछे नहीं लगना है अपने पीछे लगना आप लोगों को हमेशा जिंदगी में कि अपने आप को इंप्रूव करना है तो दुनिया आगे पीछे जाती रहेगी उससे मतलब ही नहीं रहेगा आप लोगों को कभी भी आप लोग ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी सुन सबसे गरीब आदमी हो आप आप एक मिड जिंदगी में चिर चल रहे हो ठीक है तो अगर अपने से गरीबों को देखोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगी जिंदगी अपने से अमीरों को देखोगे तो आप लोगों को बुरी लगेगी तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कितना बैलेंस बनाना चाहते हैं तो ये जो बैलेंस बनेगा वही आप लोग की जिंदगी की एक पार्ट बढ़ाकर आप लोगों को जाएगा तो यहां पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर कल को कोई पूछे भी तो ये पूरा प्रोसीजर मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हैं देश का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट है मैंने अभी आप लोगों को बताया यहां पर और इसी के साथ में ये ये काफी इंटरेस्टिंग है जो बात बोलने जा रहा हूं पहला ही बनाया और वो भी यहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है क्यों क्योंकि लद्दाख में हम लोग इसको बना रहे हैं पुगा वैली के पास में तो इसलिए वर्ल्ड का सबसे ऊंचा भी है अक्सर आप लोगों ने एक बात सुनी है कि जिंदगी में अगर कोई पहला कोई स्टार्ट करने वाला मिल जाता है कि हाँ इसने स्टार्ट किया तो लोग उसके पीछे चलने लगते हैं अभी हम लोगों ने पहला अपना स्टेब्लिश कर रहे हैं लद्दाख के अंदर में तो अभी आने वाले टाइम में हम लोग खोज रहे हैं और कहाँ पर ये काम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कहीं पर नहीं है हमारी कंट्री में अगर बात करें तो अलग अलग रीजन में हिमालयन रीजन में सहारन रीजन में आप लोगों को अलग अलग गोदावरी बेसिन वेस्ट कोस्ट या फिर महानदी बेसिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि हम लोग काम कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि अभी आइडेंटिफाई किए गए लगभग जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग ये पर्टिकुलर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया जिनका पोटेंशियल है कि इनसे दस हजार मेगावोट जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं तो सोचो कितने सारे लोगों के लिए हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं खासकर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है निकल के वो यहां से आती है कि एक ऐसा तरीका होगा जिसके बेस पर हम लोग जब पावर जनरेट करेंगे तो हम लोग कोई अलग से ढांचा नहीं क्रिएट करना है यहां पर कि हम लोग कोई ढांचा क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अलग से बैठकर ठीक है मतलब एक तरह से ना लंबे तार वार खींच के लेकर आ रहे हैं वैसे जिस एरिया में सोलर पैनल लगा दिया वहीं पर ही एनर्जी स्टार्ट हो जाती है ऐसे जहां पर ये जियो थर्मल एनर्जी पावर प्लांट लगाएंगे वहीं पर ही चीजें जो हैं वो आराम से स्टार्ट हो जाएंगी तो वैसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ये काफी प्रोमिनेंट कुछ लोकेशन है अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई ये तो यार मेरे एरिया में है तो कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए जैसे कि मनी करना मनीकरण करना जो है यहां परण आप लोग बोल सकते हैं करना नहीं ठीक करन, है तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जलगांव ये महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को नजर आएगा तपोवन ये उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी के साथ में बात की जा रही है बाकरेश्वर ठीक है तो ये आप लोगों लोग को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल के अंदर और तोवा ये आप लोग को गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा कि इस तरीके का कोई सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा आने वाले टाइम में ताकि अच्छे से हम लोग यहाँ से एनर्जी जो है वो उसको निकाल सके तो ये पर्टिकुलर जो एरिया मैंने आप लोग को बताए हैं अगर इनमें से आप लोग कोई भी इस एरिया से आते हैं अच्छा कोई आप लोग जानते हैं अपने राज्य में यहाँ पर ये एरिया कहाँ पर है इसके बारे में सुना तो होगा ना आप लोगों ने तो ये आप लोगों को इसके बारे में एक हल्का सा कम से कम आइडिया रखना है तो ये आप लोग देखते हैं यहां पर कि जियोथर्मल मैपिंग भी हमारे देश के यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है जहां जहां पर ये लोकेशन आइडेंटिफाई की जा रही है कि हाँ पर हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं तो इस तरीके से जियोग्राफी के अंदर अगर कल को मैप पर मेंशन करने के लिए आ जाए यहां पर आप लोगों को कि बताइए कहाँ पर हम लोग ये चीजें जो हैं इसको क्रिएट कर सकते हैं तो वो भी एक हल्का सा माइंड में आप लोगों की खिलाटी रहेगी तो आप लोग इस चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो उसको भी आप लोगों को हल्का सा थोड़ देना है ठीक है

पानी की हेल्प से और यहाँ पर स्टीम की हेल्प से जो कि आप लोगों तक यहां पर पहुंचती है और फिर इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में की हेल्प से उसको घुमाकर जो अभी मैंने आप लोगों यहां पर चीज दिखाई तो ये सिस्टम आप लोगों को मिलता है इसी के साथ में काफी क्लीन भी है सस्टेनेबल भी है क्योंकि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये चीज चलती रहेगी यह कार्बन फ्री भी है यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर यह काफी आप लोगों को कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है इन्वायरमेंट फ्रेंडली किस लिए बोला जा रहा है क्योंकि पृथ्वी के अंदर से नॉर्मल सिस्टमेटिक वे में निकल कर आ रही है तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं तो एक तरीके से काफी पावरफुल एनर्जी का सोर्स है जिसको हम लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ढंग से इसको सही डायरेक्शन में लेकर चला जाता है तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर क्या है यहां पर कि ये कहाँ पर क्यों कैसे बनती है ये पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी से हम लोग इसको निकाल कर लेकर आते हैं तो आप लोगों ने ये देखा पृथ्वी के अंदर से यहाँ पर ये निकल कर आ रही है एक पर्टिकुलर शब्द आप लोगों ने सुना होगा कि ज्वालामुखी फट गया ठीक है तो यहां पर ज्वालामुखी फट गया तो उसमें क्या होता है मैग्मा होता है बेसिकली अर्थ के अंदर से वो मैग्मा बाहर निकलकर आता है उसी मैग्मा को जब वो सरफेस पे आ जाता है तो उसको लावा बोल देते हैं आप लोगों ने सुना ना कि स्कूल में क्या नाम है ये है घर पे क्या नाम है ये तो वही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसको मैग्मा माँ एक तरीके से बाहर लेके आ लावा ठीक है तो ये आप लोग समझ सकते हैं तो यहां पर ये पर्टिकुलर होता कहां से निकल के कहां से आता है देखिए पृथ्वी के अंदर ना बहुत सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि डीके होते रहते हैं आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा एनसीआरटी के अंदर में कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है एक तरह से डीके होते रहते हैं उनमें से एनर्जी निकलती रहती है वही रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं वो आप लोगों को नजर आएंगे उनसे यहां पर ये हीट जनरेट होती है और जो की पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलती है आप लोगों ने देखा कि गुस्सा शांत कर ले गिर भीम कई कई बार कई सारे इंसानों को गुस्सा रहता है तो वो अंदर बैठे रहते हैं उसको लेकर कई बार घर में किसी की आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल किसी की डेथ होते तो ये बोलते हैं कोई रो नहीं पा रहा है वो एक तरह अटक गया है रोते रोते तो बोलते हैं यार इसको रुला दो एक बार इसके अंदर का जो गम है वो बाहर निकल जाएगा ठीक है तो ऐसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा तो ये वही है कि हीट इसके अंदर जो रहती है वो बाहर निकलती है आराम आराम से काफी नीचे आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि मैग्मा रहता है मोल्टान मैग्मा के तौर पर बाहर निकलता है वो लावा के तौर पर जो कि आप लोगों को ये अंडरग्राउंड आप लोग बोलते हैं ना कि पृथ्वी के अंदर से निकल कर आता है तो ये कोर प्रोड्यूस करती है बेसिकली पृथ्वी में आप लोगों ने सुना होगा ना कि कोर हो गया मेंटल हो गया पहले कोर हो गया फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मेंटल हो गया फिर क्रस्ट हो गया सबसे बाहर तो यहां पर ये क्रस्ट से बाहर निकलती है और कोर से होती हुई नजर आती है

तो मूवी को देखेगा किसी ने देख रखी है आप लोग बताइए कई बार मैंने पहले भी आप लोगों को मूवी के बारे में बताया तो हल्का सा आप आप लोगों को होना चाहिए कि ऐसी ऐसी मूवी लोग टाइम लगे तो देख लिया करो एक शब्द आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ऐसे ही आप लोग यहां पर दो पहलू देखने को मिलेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है पर लेकिन जिस चीज के ज्यादा फायदे हैं और कम नुकसान है उस चीज को हम लोग इस्तेमाल कर लिया करते हैं ऐसे यहां पर बात करते हैं जियो के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह इसमें हम लोग कोयला गैस या फिर ऑयल तेल नहीं जलाना पड़ता है तो इससे एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनवायरमेंट को काफी ज्यादा फायदा रहता है कार्बन एमिशन जो है वो वन सिक्स आप को देखने को मिलेगा यानी कि एक तरीके से ना के बराबर है अगर बाइनरी प्लांट लगा दें तो एमिशन बिल्कुल ना के बराबर यहां पर हो जाता है पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है अगर सूरज निकलेगा तो सोलर एनर्जी काम करेगी हवा चलेगी तो विंड एनर्जी काम करेगी पर लेकिन ना सूरज निकलने की जरूरत है ना हवा चलने की जरूरत है भाई साहब गर्मी के अंदर की हीट आप लोगों को हमेशा नजर आएगी जैसे नहीं शरीर में से हीट निकलती रहती है तो वो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर खासकर ऐसे लोग जैसे कि जैसे मुझे क्या है थोड़ा सा ठंड वाला इलाका ज्यादा पसंद लगता है क्यों क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है तो अगर मैं नीचे जैसे कि अगर नहीं कि मालीजिए मैं नीचे को जाऊँ इक्वेटर की साइड में केरला तमिलनाडु इधर साइड में जाऊँ तो मुझे जो है थोड़ा सा मतलब एक तरीके से गर्मी के टाइम में तो मेरी हालत खराब हो जाए पर लेकिन अगर मैं ऊपर को जाऊं जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश तो वहां पर कंफर्टेबल फील होता है तो ये बॉडी का जो ताप होता है ना कि एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा कि इसका एक नॉर्मल सुन लेते हैं कि एक तरीके से बॉडी का टेम्परेचर इसका ज्यादा रहता है इंसान का तो वाली चीज है तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एनर्जी रहती है शरीर के अंदर में तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं तो यहां पर वो एक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और वो आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है तो यहां पर ऐसा नहीं कि हवा चल रही है तो सूरज निकल रहा है ठीक है और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव भी है क्योंकि आप लोग कुछ करना ही नहीं पड़ आप लोग तो जो निकल रही है उसको सेव करना है तो इसके चलते अस्सी प्रतिशत तक का जो फोसल फ्यूल है उसके कंपेयर में हम लोग सेव कर सकते हैं जो हम लोग फोसिल फ्यूल यानी कि क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं वो सब चीजें चल रही है तो ये इसलिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाती है पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू मैंने आप लोग को बताया तो इसका दूसरा पहलू क्या है वो ये कि इसके अंदर से कई बार जहरीली गैस भी निकल जाती है कई सारी ठीक है उसमें से इतनी बुरी बदबू आती है जैसे सड़े हुए अंडे में से आती है लोग एक कॉन्सेंट्रेशन की रहती है कई बार जिससे कि प्रॉपर चीजें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं ठीक है इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर से कई सारे फ्लूट जो रहते हैं वो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं ठीक है तो कई सारी चीजें लोकेशन कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी ढंग से उसको इस साइट को इस्तेमाल करना आसान नहीं रहता है तो ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं वरना इतनी सारे ऑलरेडी हमको पता है प्लांट ऐसा तो है नहीं कि हमको पता नहीं था फिर भी हम लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो हमारे पास में कोई प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग इनका अब तक प्रॉपर इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे कोई तो आप लोगों से पूछ बैठे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जियो एनर्जी जो है वो किन देशों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है तो जैसे मैक्सिको हो गया इटली हो गया केनिया ये सारे एरिया आप लोगों को नजर आएंगे कई सारे मैक्सिमम आइलैंड कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगी ठीक है के बारे में कुछ बातें बता देता हूं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर हो जाएगी तो पब्लिक सेक्टर ये आप लोगों को पेट्रोलियम कंपनी देखने को मिलती है जो कि 1955 में बनाई गई थी ऑयल एंड गैस डिवीजन के तौर पर।, हाँ पर, तो हाँ पर अगर बात करें यहां पर तो अंडर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर अगर बात करें चौदह अगस्त उन्नीस के अंदर में यहां पर इसका रीनेम कर दिया गया ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और फिर कमीशन से इसको यानी कि कंपनी के तौर पर बना दिया नाइनटीन में 1997 में ये नवरत्ना बन गई और 2010 में ये महारत्ना अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है तो यानी कि काफी एक शानदार कैटेगरी कंपनी है हमारे देश के अंदर में जो कि एनर्जी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है देश में पूरा करने का तो इसके बारे में मैंने बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों को बता दी कि जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है कैसे निकाली जाती है हमारे देश में कहा पर यह प्लांट लगा रहा है कुछ जियोग्राफिकल लोकेशन भी हम लोगों ने देख ली हमारे देश में कहा पर पाई जाती है कुछ बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर देख ली एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लिया और ओ के बारे में भी जान लिया तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि अब आप लोग प्रिलिम्स का भी क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग यहाँ पर इंटरव्यू में भी कोई आप लोगों से पूछे बता सकते हैं बातें और इसी के साथ में आंसर राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है ठीक है तो यहां पर अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है है अटेम्प्ट कीजिए देखता हूं कौन सी आंसर देता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये आइडेंटिफाई किया गया इंडिया के अंदर में जियोथर्मल एनर्जी को ठीक है तो यहां पर आप लोगों को बताना है कहां पर है एक बोला गया यहां पर सैन नर्मदा तोपी लाइनमेंट जो बेल्ट है वेस्ट जो कोस्ट है गोदावरी जो बेसिन है और ईस्ट जो कोस्ट है तो सही आंसर यहां पर क्या है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कहां कहां पर हमारे देश में चीजें देखने को मिल सकती है यहां पर राज्य नहीं यहां पर एरिया पूछ लेके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है जैसे यूपीएससी आप लोगों से पूछती है आंसर अगर देखेंगे आंसर यहां पर ए है क्योंकि ईस्ट कोस्ट नहीं है यहां पर वेस्ट कोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा तो यानी यह कि यहां पर ये यह वाली स्टेटमेंट गलत है बाकी की तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है तो आंसर ए हो गया पर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि आप लोगों से मैच करके यहां पर, पर पर्टिकुलर नाम दे देते और बोलते कि इनको मैच करके बताओ कौन कौन से राज्य में यहां पर ये पाई जाती है तो ये भी एक तरीका हो सकता है यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछने का आप लोगों से 2013 में यूपीएससी के द्वारा थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन पूछा गया कि बोला गया कि यहां पर ये स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो रेडिएशन है इसी के साथ में यहां पर जियोथर्मल जो एनर्जी है ग्रेविशनल फोर्स है प्लेट मूवमेंट है रोटेशन ऑफ द अर्थ है और रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो विच ऑफ द फॉलोइंग टू ब्रिंग एक तरीके से यानी कि बाहर लेकर आता है डायनामिक चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो भी यहां पर एक तरीके से चार्ज होता है जो हीट होती है उसको बाहर लाने का काम करता है तो अगर इनको देखोगे तो ये सारे के सारे जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम के प्रोसीजर का पार्ट है तो यानी कि सारे के सारे जब ये काम करते हैं तो उसी के बेस पर यहां पर जो चार्ज है वो बाहर आते हैं तो आंसर यहां पर डी हो गया यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर सही है तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं ठीक है तो ये था पूरा आर्टिकल अगर इससे आंसर राइटिंग के लिए आप लोग क्वेश्चन दे दू तो ये मत बोलेगा कि यार नहीं लिखा जाएगा ठीक है तो पूरा अच्छे से आप लोग कीजिएगा और इसके चलते यहाँ पर आप लोग प्रॉपर वे में जो प्रिलिम्स के क्वेश्चन है वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे एक बेसिक जनरल साइंस के अंदर जो आप लोगों से जियोथर्मल एनर्जी के बारे में पूछ ले तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो गया ठीक है तो इस तरीके से टॉपिक को क्लियर करके चलो जिसके अंदर कई सारी चीजें कवर हो जाती है ओ भी देख लिया सारी चीजें हम लोगों ने देख ली तो कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना फीडबैक देकर ओके दोस्तों इस आर्टिकल को अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के साथ में कोरिलेट करके देखें मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन स्टार्ट करी पर आप लोग उसमें फोकस नहीं दे रहे हैं कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं मन किया तो कभी मूवी देखने चले गए आज मन ही नहीं है पढ़ने का मतलब कि मन भी ऐसा हो गया है कि जब वो होगा तो ही हम लोग पढ़ेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे अगर ये वाली डामाडोल सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में जब भी सिलेक्शन होने की बात आएगी तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मन नहीं था फिर भी वो पढ़ रहे थे इसका मतलब यहां पर यह कि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कोई काम करना है तो आप लोगों का मन जो है वो उसके बीच में कभी नहीं आना चाहिए आप लोग देखो अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं लोगे आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या हुआ इसमें किसी और का थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है आप लोगों का बिगड़ रहा है पर लेकिन जो पढ़ रहा है जो काम कर रहा है मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहां पर इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगा अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कंट्री इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है ताकि लोग जो है उस प्रोडक्ट को खरीदें। और कोई और कंट्री है दूसरी कंट्री वो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छे प्रोवाइड करा रही है तो उस कंट्री का लोग जो है वो सामान खरीदेंगे उस कंट्री की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ेगा उस कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा उस कंट्री की एक तरीके से अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वहां पर लोगों की प्रोस्पैरिटी भी बढ़ेगी यानी कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे अभी ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई इसलिए बताइए क्योंकि जब से कोविड नाइन्टीन आया तब से लेके चाइना की बहुत सारी बदतमीजी देखने को मिली उन बदतमीज में एक बदतमीजी तो ये थी कि चाइना ने जब अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया तो बहुत सारा सामान जो है दुनिया उससे खरीदती थी वो सारा सामान दुनिया नहीं खरीद पाई इवन मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी की सर्विसेज भी जब लोग करा रहे थे ना मैं खुद बताता हूँ आप लोगों को नॉर्मल अगर बात करेंगे और उसके कंपेयर में चार से पांच गुना टाइम जो है वो वहां पर सर्विसिंग में लग रहा था क्योंकि कोई भी उसका जो पुर्जा है जो प्रोडक्ट है वो उनको नहीं मिल पा रहा था मैक्सिमम चीजें चाइना से इंपोर्ट कर रही थी इसीलिए हर एक कंट्री ने कोशिश की कि यार ये जो डिपेंडेंसी है ना ये काफी ज्यादा खतरनाक है इससे पेजा छुटाना पड़ेगा तो अभी उसी के लिए बहुत सारे काम किए गए इसमें तीन कंट्री साथ मिलकर आए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा तीन कंट्री कौन है एक साइड में तो अपनी ही कंट्री होगी दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान और तीसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया तो ये तीन कंट्री मिलकर आई और इन तीन कंट्री ने बोला कि यार कम से कम हम लोग अपने रीजन में जहां पर चाइना के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है कि चाइना ठीक है तो सब कुछ सही है चाइना को दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत है उन्हें कहते हैं कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है नॉर्मली इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए कि अगर यूएसए को छींक आ गई तो ये समझो कि पूरी दुनिया को जुकाम हो गया ऐसी सिचुएशन अभी यहाँ पर चाइना के साथ में देखने को मिली चाइना को छींक आ गई छींक आई मतलब चाइना को कोरोना हो गया ठीक है तो कोरोना की छींक आई तो दुनिया में दिक्कत हो गई क्यों क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो पहुँचने एक तरीके से बंद हो गए और छोटे छोटे लेवल पर भी और हमारी तो कंडीशन इतनी खराब है कि हम लोग मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो इंपोर्ट करने का रहता है वो होता है जो हम लोग दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन बनाते हैं तो दवाइयाँ बनाने के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं वो भी मैक्सिमम हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं तो अगर वो प्रोडक्ट भी हम लोग चाइना से नहीं ला पाएंगे तो हमारे देश में हम लोग मेडिसिन तक नहीं बना पाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा रीजन रहा जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है जब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं

किस किसी ने उस कैप्सूल को खोल के देखा है तो उसमें आप लोगों को पाउडर सा मिला हुआ मिलेगा पाउडर टाइप का ठीक है तो वो जो पाउडर रहता है वो एक तरीके से एपीआई रहता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं जिसके बेस पर दवाइयां बनाई जाती है तो वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से और बाहर से इंपोर्ट करते थे इवन यूएस से भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता था अब उसने काम करना स्टार्ट किया तो अब उसके देश में वो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हुए अब सिचुएशन जो है वो सुधरना स्टार्ट हुई तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसके चलते मेडिसिन के फील्ड में हमारी कंट्री जो है जेनरिक दवाई बनाने में सबसे ज्यादा टोपर है रीजन क्या है रीजन ये कि जेनरिक दवाई में हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना नहीं होता है इसको समझाने के लिए थोड़ा सा उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को जैसे मान लीजिए एक इंसान है उस इंसान ने बैठकर एक पर्टिकुलर कोई फोन बनाया बहुत ही मेहनत करके तो इसने फोन बनाया और इसने इस फोन को बनाकर इसका पेटेंट ले लिया कि ये फोन मेरा है यहाँ पर ये इसका पेटेंट हो गया और ये फोन जो है पूरी एक तरीके से मुझे रॉयल्टी देगा जब भी बेचेगा जाएगा मार्केट में तो मुझे पैसा मिलेगा पर लेकिन ये जो पेटेंट होता है इसका एक टूरिस्टन रहता है कई बार 10, 15 से 20 साल तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब वो पेटेंट हट जाता है तब यहाँ पर उसको कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है उसको हम लोग जेनरिक बेसिकली सिस्टम बोल देते हैं तो हमारी कंट्री में ये काफ़ी लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है और हम लोग खुद तो फायदा उठाते ही उठाते हैं जब यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाइयां भेजने की बात आती है उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में से बहुत लार्ज स्केल पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया या फिर जो दूसरे गरीब देश हो गए तो काफी लार्ज स्केल पर दवाइयां जो है हमारे वहां से वहां पर पहुंचाई जाती हैं और आप लोगों को बता दू इंटरेस्टिंग चीज हमारा देश जो है मेडिकल टूरिज्म में काफी सारी अर्निंग करता है मेडिकल टूरिज्म क्या है कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे देश में अपना इलाज करवाने आते हैं किस लिए क्योंकि हमारे देश में इलाज सस्ता है तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज के हम लोग एक अच्छी कैटेगरी में अपने आप को रख पाते हैं पर लेकिन इन सबके पीछे एक चीज आएगी निकलकर वो है कि हमारी कंट्री में हम लोग कितने अच्छे से चीजों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कोई और प्रोडक्ट बना रहे है, उससे प्रोडक्ट लाए खरीद कर और उसका प्रोडक्ट खरीदा और किसी और को भेज दे ले जाकर तो बिचौल नहीं बनना यार अपने आप को मैन्युफैक्चरर हम लोग को बनाना पड़ेगा उसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब क्या था अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाएंगे अपना ही रो मेटीरियल यूज करके या फिर बाहर से रो मेटीरियल लाके बनाने के बाद में उसको लोगों को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे अपने देश में जॉब क्रिएट करेंगे अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे तो पूरा काम किया गया एक मोटे मोटे तौर पर एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी यूके ने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे लिया क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया मतलब अपने यहां पर सामान बनाने की दुनिया भर की मशीनें उसने लगा डाली आप लोगों को पता होगा हमारे यहां से कपास तक का जैसे कपास नहीं होता है, रुई उसको ले जाकर यहां पर ये यह अपने देश में ले जाते फिर कपड़ा बनाते और फिर हमारे देश में लाकर उसको बेच देते तो यानी कि रो मेटीरियल काफी लार्ज स्केल पर उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया और हमारे यहां पर बना बनाया प्रोडक्ट बेचने लगे तो हमारे रो मेटेरियल यूज करके हम ही को मार्केट बना दिया और अपना प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हैं दबाकर अपने लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं यहां पर तो हमारी कंट्री की खस्ता हालत होने स्टार्ट होगी तो ये चीजें हम लोगों को ये समझ में नहीं आई हम लोगों को अब ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई कि चाइना कैसे दुनिया में सबसे आगे निकल गया क्योंकि उसने सारे प्रोडक्ट जो है वो अपने यहां पर बनाने स्टार्ट किए इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सुई से लेके हवाई जहाज तक चाइना के अंदर सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है अपने यहां पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को इंप्लॉयमेंट जनरेट करके भी देता है तो ये किसके बेस पर है ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना है क्यों बना है क्योंकि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता था गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम हमारे देश में चलाई जा रही है ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव यहां पर चाइना देता था और चाइना में एक चीज ऐसी है जो कि नॉर्मली कहीं जल्दी से देखने को मिलती नहीं है आप लोग बोलोगे बताओ बताओ वो कौन सी चीज है सर जल्दी बताओ <laughs> वो चीज है यार लैंड लोग बोले क्या बात करो सर, इतनी सारी जमीन हमारे यहां पर है हमारे यहां पर जमीन है क्या हमारे यहां पर जमीन है पर पर लेकिन हमारे प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है और अगर चाइना के अंदर आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जो पोर्सन है वो यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में है है सोचो अगर एप्पल कंपनी वो चाइना में जाती है और कहती है कि यार मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है लगभग सौ एकड़ का चाइना कहेगा ठीक है कल आ जाना शाइन करके चला जाना कोई टेंशन नहीं है अगले दिन वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा पर लेकिन अगर सेम प्लांट अगर हमारे देश के अंदर लगाना पड़ जाए तो पहले यहां पर गवर्नमेंट जो है वो जमीन का जुगाड़ करेगी लोगों से जाकर बातें की जाएगी उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई साहब ये जमीन बेच दो मार्केट आप लोगों का जो प्राइस है उसके आप लोगों को तीन से चार गुना प्राइस मिलेंगे उसमें भी कई सारे लोग जो है बेचने से मना कर देंगे क्यों क्योंकि जमीन के साथ में लोग जो है वो काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं हमारे यहां पर जमीन को देख देख कर लोगों की शादी होती है कितने बिगे जमीन इसके हिस्से में आती है समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो इसलिए हमारी कंट्री में ये प्राइवेट अफेयर हो जाता है तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी अगर अपना बेस बनाती हैं कुछ और काम करना स्टार्ट करती हैं तो लैंड एक काफी बड़ा इश्यू बनता है इवन आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कई बार जमीनों को लेकर लोगों की लड़ाई हो जाती है गोलियां चल जाती है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसी है कंडीशन है दुनिया भर के केसेस आप लोगों को जब कोर्ट में जाओगे वो जमीन के डिस्प्यूट यानी कि जमीन के ऊपर लड़ाई के आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये काफी बड़ा रीजन है हमारे देश में जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है कि बाहर की कंपनी हमारे देश में प्रोडक्ट बनाने नहीं आती है दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों हाँ को मिलेगी कि हमारे देश में लेबर तो बहुत है दुनिया भर के लोग ये सोचा करो यार थोड़ा सा क्योंकि अगर ये चीजें आप लोग सोचोगे नहीं जब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो अपने आपको थोड़ा सा पोज किया करो और वहां पर सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है और आंसर जब मैं बताऊं उससे पहले अपना आंसर एक बार लिख लिया करो उसके बाद में देखा करो इससे क्या रहेगा कोई भी चीज जो है वो आप लोग आगे आने वाले टाइम में भूलोगे नहीं और लंबे समय तक याद रखोगे और गलत होगी तो यहीं पर ही गलत हो जाएगी और इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है वो आप लोगों का तैयार हो जाएगा तो ठीक है तो अगर क्वेश्चन पूछा तो गैस करो कम से कम यार कौन सा टैक्स लग रहा है आप लोग यहां पर ये तो बताइए अगर आप लोग उसको गैस कर लोगे एक बार तो सोचो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हमारे देश में स्किल की यानी कि लेबर तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है एजुकेशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है सबसे बड़ा सिस्टम जो मुझे अपने देश का दिखता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है और कहीं ना कहीं मैं इसको लेकर कई बार तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है आज भी हमारे देश में बाबा आदम के जमाने का एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है जो किताबें मैंने पढ़ी वही किताबें कभी मैं एक तरीके से पापा ने पढ़ी वही किताबें बाबा दादा ने पढ़ी वही फिजिक्स केमिस्ट्री में उसी पैटर्न पे और उसका मार्केट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है तुम पीएचडी भी कर लो ना अगर आज को आज की डेट में तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको जॉब मिलेगी ठीक है तो किसी भी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है अगर तुम अच्छे से अच्छी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जा रहे हो उसके बाद में भी आप लोगों की ट्रेनिंग होती है फिर चार साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करना चाहिए ताकि उसको एक जो इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ या फिर तो बहुत सारे ऐसे लूफ होल है लैंग्वेज एक कितना बड़ा बैरियर है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में चीजें समझते हैं पर इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में होती है और थ्री डेट में आप लोगों ने देखा होगा वो बंदा जो है इतना प्यार करता है मशीन से अगर लैंग्वेज को लेकर अगर वो अपना काम नहीं कर पाता तो एक अच्छा इंजीनियर जिंदगी में नहीं बन पाता एक अच्छा साइंटिस्ट जिंदगी में इंसान नहीं बन पाता तो ये जरूरी है कि इस बैरियर को भी यहां पर रिमूव करना है ठीक है तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं, ये इंटरव्यू में भी कम आ सकती हैं आप लोगों को ये आंसर राइटिंग में भी पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं और अभी जो आर्टिकल है उसमें अंदर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं हमारे देश में अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा एप्पल कंपनी जो है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हैब लगा रही है और भी कई सारी कंपनी हमारे देश में आ रही है क्यों क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है आ रही है नहीं, मतलब ला चुकी है ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा रही है इसका मतलब क्या है गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आजा भाई एप्पल हमारे देश में तू फोन बनाकर अगर तुम हमारे देश में फोन बनाओगे तो हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है वो मान लीजिए वो अट्ठारह परसेंट लग रहा है अगर तुम हमारे देश में लाकर ये प्रोडक्ट हमारे देश में हमारे देश में बनाकर ये प्रोडक्ट बेचोगे तो हम तुमको बारह की जगह अठारह की जगह बारह टैक्स लेंगे ठीक है यानी कि छह की छूट हम लोग तुमको दे देंगे तो इससे क्या होगा इससे कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी और प्रोडक्ट बनाएगी बाहर बेचेगी तो इसी के चलते यहां पर यह बात की जा रही है तो कई सारे इंसेंटिव कई सारी छूट दी जाती है तो चार से लेकर छह प्रतिशत तक जो सेल इससे बढ़ जाती है गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में हो रही है तो सोचो आप लोग यहां पर कितना फायदा होगा मोबाइल फोन जो हम लोग मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर बनाती है उसके कॉम्पोनेंट हम लोग बाहर से लेकर आते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आप लोगों से बात की जाए आज तक भी हम लोग

क्योंकि इसी टाइम से अगर बीच से आप लोग एक तरीके से देखोगे तो कोविड नाइन्टीन ने लोगों की कमर तोड़ी तो यहां से अब सिचुएशन को कैसे आगे लेकर चलना है इसके ऊपर काम किया जा रहा है अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं वो है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है ये पर्टिकुलर स्कीम जो है हमारे देश में जो इंप्लीमेंट करती है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल कोई फोन या फिर कोई ऐसी चीजें बनानी है तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर आकर इस चीज को सपोर्ट करती है तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये आप लोग याद रखिएगा इसके मिनिस्टर कौन है उनका नाम आप लोग बताइए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं याद रखा करो एग्जाम में नहीं पूछी जा रही हैं पर लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनिस्टर है हमारे देश में पांच साल तक रहते हैं यार एक बार याद करने पर ठीक है एक आधा कोई बदतमीजी कार्ड दी उसको हटा दिया जाता है वरना मोर और लेस पांच साल तक देखने को मिलते हैं ठीक है तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत बड़ा फायदा क्या होगा इसके आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बार बार बात करते हैं तो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत हम लोग बना पाएंगे ये आप लोग को देखने को मिलेगा इसके चलते यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं ये इससे भी ज्यादा बोला जा रहा है कि सात लाख से भी ज्यादा जॉब जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग अपने ही देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें तो आप लोग समझिए यहां पर तो इसके चलते काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा और हमारी कंपनी जो बाहर जा रही है अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएं अपने ही देश में बनाए और बाहर की कंपनी भी अपने ही देश में लेकर आए तो इसके चलते यहां पर और फायदा देखने को मिलेगा अब तक भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है तो आने वाले तीन साल में और फायदा देखने को मिलेगा अब तक लगभग वन फोर जीरो इतने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है एक सौ चालीस प्रतिशत का ग्रोथ अभी देखने को मिला है अभी ये स्कीम ढंग से पूरी इंप्लीमेंट हो रही है और फायदा अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो डोमेस्टिक अगर हम अपने देश में बना रहे हैं मैंने आप लोगों को बताया हमारे ही देश में हम लोग अगर बनाएंगे एक फायदा क्या है कि बाहर से खरीद कर अब लेकर हम लोग नहीं आएंगे बाहर से खरीद कर लेकर ही नहीं आना पड़ेगा अपने ही देश में बना रहे तो अपने ही देश में हम लोग अपने ही लोगों को जॉब दे रहे हैं तो उनको फायदा देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक में अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को हमारे देश में जो ये एक मार्केट उभरती हुई नजर आएगी इसके चलते अभी आप लोगों से बात करें सोलर पैनल के बारे में बात करूं ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं तो इससे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी कई सारे स्टेट पीसी में पूछा गया और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए उस इनिशिएटिव का नाम क्या है याद रखिएगा उस इनिशिएटिव का नाम कई बार अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मूव आप लोग बोल सकते हैं उसको बोलते हैं एस सी आर आई क्या है फुल फॉर्म सप्लाई चैन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग को कम करनी है अपनी ही कंट्री में किसी न किसी तरीके से इन चीजों को मैन्युफैक्चर करने हैं और जापान बहुत लार्ज स्केल पर इस चीज को हमारे देश के लिए सपोर्ट है ताकि हम लोग इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सके तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहां पर ये हार्डवेयर आईटी के अंदर में टेलीकॉम के अंदर में फार्मास्यूटिकल के अंदर में सोलर पावर मॉड्यूल टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के के उद्योग अंदर में ड्रोन बनाना। ड्रोन बनाना बनाने पे याद होगा प्राइम मोदी साहब के द्वारा पूरा एक इवेंट में लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग अपने देश में ड्रोन बना सके तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बैटरीज बनाना आने वाले टाइम में तो बहुत सारे फायदे हम लोग को अभी यहां पर देखने को मिलने वाले तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो लिखने के लिए भी आ सकते हैं जो जो बातें पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए आप टॉपिक को समझ लिया करो पहले एक बार ठीक है बाकी नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं ये जो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई जाती है है इनका रहता ताकि वीडियो को बैठकर सुन लो क्योंकि जब सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे एक चीज और बोलूंगा यहां पर जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना आज की डेट में कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप लोग लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी किताब आप लोग पढ़ रहे हो कोशिश करो कि चैप्टर खत्म करने के बाद में उस चैप्टर से क्वेश्चन लगाकर देखो कि कितनी चीजें आप लोगों को याद है इससे पता चलेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो एक कैसी चीज है जो आप लोगों का लेवल बताएगी कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो तो आर्टिकल सुन के निकल जाना मान लीजिए आप लोग दिन में पचास आर्टिकल सुन रहे हो पर लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए वो जो सोल्व किया एक आधा वो भी गलत कर दिया तो उस आर्टिकल सुनने का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग चार आर्टिकल सुनो पर लेकिन उनको इस तरीके से सुनो कि आप लोग उन्हें क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पा रहे हो सुना होगा ना कि जितना खाओ अच्छे से खाओ ताकि पेट खराब ना हो तो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर और डेली इतना करंट अफेयर नहीं आता यार जो आप लोगों को ये वीडियो बनाई जाती है इसमें जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन बताया सारा स्टेटिक पोर्सन है वरना करंट अफेयर तो छोड़ा जाता है स्टार्टिंग के फर्स्ट स्लाइड में खत्म हो जाता है अब बाकी क्या है ये क्वेश्चन बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि चीजें आप लोग याद रख सके तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इनिशिएटिव स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है रिड्यूस करना जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्री पहली स्टेटमेंट बोला गया दूसरे देश पर अपनी निर्भरता को कम करना अपने देश में रोजगार को बढ़ाना इसी के साथ में जो हमारी कंट्री है उसका फॉरेन रिजर्व बचाना क्योंकि बाहर से जब कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो हम लोग डॉलर में व्यापार करते हैं तो हमारी कंट्री का फॉरेन रिजर्व घटता है जिससे दिक्कत हो जाती है पता होगा नाइनटीन में उस टाइम पर अगर हमारा फॉरन रिजर्व जो है वो इतना कम ना होता तो एलपीजी रिफॉर्म जो जैसी चीजें हमारे देश में हम लोग फोर्सफुल्ली लेकर आते अपनी मर्जी से लेकर आते और हमारे देश में एक सात या आठ दिन का भी तेल खरीदने के पैसे बचे हुए थे मुश्किल से देश बिकने की कगार पर आ गया था वो कंडीशन बन गई थी तो जरूरी है कि अपनी आत्मनिर्भरता हमारी होनी चाहिए तो सही आंसर क्या है ए में बोला गया वन एंड टू बोला गया वन एंड थ्री डी बोला गया ऑल ऑफ द अबो तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को डी यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ठीक है तो प्रॉपर सारी चीजें आप लोगों को बता दी क्या क्या फायदा देखने को मिल रहा है क्या क्या चीजें कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए फीडबैक जरूर दिया करो आर्टिकल में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करो और इसी के साथ में फीडबैक देने का तरीका क्या रहता है जिससे ये रहता है कि हां फीडबैक आ रहा है लाइक डिसलाइक शेयर या फिर कमेंट ये चार चीजें होती हैं फीडबैक देने के तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो ठीक है इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि हाँ जो ये वीडियो है ये सही है तो फीडबैक जरूर दिया करो यूट्यूब को मुझे नहीं यूट्यूब को दिया करो ठीक है कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज है और जब भी ये न्यूज देखता हूँ मुझे थोड़ी सी तो हंसी आती है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जब संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बातें करते हैं तो कई बार यहाँ पर बात करते हैं कि टेररिज्म को कैसे खत्म करना है और जब भी उस टेररिज्म को ख़त्म करने की बात आती है तो वहां पर पाकिस्तान हमेशा साथ में रहता है ठीक है <laughs> अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस न्यूज़ को पढ़ते हुए मुझे हमेशा हंसी आती है क्योंकि उसी इंसान को टेररिज्म खत्म करने की बेसिकली बातें बोली जा रही है जो इंसान उसको बढ़ाता है तो उस इंसान को फील कराना चाहिए कि भाई साहब देख तेरे लिए ही ये ये मीटिंग रखी गई है तो ये हरकतें छोड़ दे तो हमको ऐसी मीटिंग्स की जो है वो जरूरत ही ना पड़े तो रियलिटी यही है तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं वैसे तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस के बारे में आप लोग काफी चीजें पता है पर इसके अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है एक पर्टिकुलर एरिया है जो कि आप लोगों को और भी अच्छे से पता होना चाहिए वो है आर ए टी एस जिसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर यानी कि जो रीजनम यानी कि जो उस पर्टिकुलर रीजन में जहां जहां पर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उस पर्टिकुलर एरिया में रैट्स जो है वो यहां पर बेसिकली फंडा है कि कैसे टेररिज्म को रोकना है तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक ऐसा हाथ आप लोग इसको बोल सकते हो जो कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के ऊपर काम करता है ठीक है तो ये जो रेट्स है इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है आप लोगों से फैक्चुअल ये की गई थी बेसिकली वाज एज परमानेंट बॉडी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2001 में ताकि टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सके सेपरेटिज्म भी यहां पर है आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली अभी खालिस्तानी मूवमेंट हमारे देश में चलाने की कोशिश की जाती है

तो इट वॉज ए एक्सट्रीम स्टेप इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ गई हालांकि उसको ध्यान में रखा था कि ब्लैक मनी को रोका जाए पर रियलिटी में कोई ज्यादा ब्लैक मनी के ऊपर उसका नेगेटिव एक तरीके से इंपैक्ट पड़ा नहीं कि ब्लैक मनी खत्म हो गई हो पर एक एक्सट्रीम स्टेप हो गया था वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डाउन हो गई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी तो इस तरीके से एक्सट्रीम स्टेप होते हैं पर यहां पर अगर बात करेंगे तो टेररिज्म और सेपरेटिज्म और एक्सट्रीम एक्सट्रीमिज्म है उसको कम करने की बात की जा रही है

अब क्यों डिस्कस कर रहा हूं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसके द्वारा यह बोला गया है कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग कंडक्ट कराया करेंगे उसमें इंडिया भी रहेगा पाकिस्तान भी रहेगा और इसका नाम रहेगा सोलिडारिटी और दो से ये स्टार्ट करने इसको जा रहे हैं तो ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज रहेगी जिसमें यहां पर इन चीजों को रोका जाएगा इन चीजों के ऊपर काम किया जाएगा ताकि आगे आने वाले टाइम पर जो टेरिज्म की जो सिचुएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर देखने को मिल रही है उसको बेसिकली खत्म किया जा सके ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं यानी कि कहने का मतलब ये कि शांति के ऊपर फोकस करके यहां पर ये चलने वाले हैं और सोलिडेरिटी का मतलब क्या होगा हिंदी में एकजुटता ठीक है तो मिलकर ही काम करेंगे और बोला क्या गया कि रेड्स के द्वारा यह बोला गया कि अभी यहां पर इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं अफगानिस्तान से क्यों क्योंकि अफगानिस्तान में पंद्रह अगस्त से यहां पर क्या हो रखा है पंद्रह अगस्त से यहां पर अफगानिस्तान के अंदर में जो बेसिक रूल है यहां पर किसका आ चुका है वो आ चुका है तालिबान का और तालिबान खुद में एक टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो उसकी वजह से काफी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल रही है तो देश आपस में मिलकर यहां पर इस चीज को रोकेंगे और क्रॉस बॉर्डर अगर कोई टेरिज्म होता है तो उसके ऊपर भी यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे तो ये कुछ इंपोर्टेंट बेसिक बातें हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं है ठीक है इम्पॉर्टेंट न्यूज है और काफी आप लोगों को जानकर थोड़ी सी इसको एक तरीके से नहीं कुछ थोड़ा सा एक एक इनसाइट भी मिलेगी और कहीं ना कहीं आप लोग उसको जानकर थोड़ा सा खुश भी एक तरीके से ना हंसी भी आएगी मतलब क्या है मतलब यह है कि मान लीजिए आप लोगों के मोहल्ले में एक दुकान है और उस दुकान पर चॉकलेट बेसिकली बेची जाती है ठीक है आप लोगों के घर पर कोई पार्टी थी और उसमें बहुत सारे बच्चे आ रखे थे तो वो बच्चे जो हैं आप लोगों ने उनको सबको बच्चों को जो है दस दस रुपये दे दिए जाओ अपना चॉकलेट लेके आओ वो बच्चा एक जा रहा है चॉकलेट लेके आ जा रहा है दूसरा जा रहा है चॉकलेट लेके आ जा रहा है तीसरा जा रहा है चॉकलेट लेके आ जा रहा है अब दुकानदार को क्या लगेगा भाई साहब मोहल्ले में ना चॉकलेट की खपत बढ़ गई है लगे बच्चे आ आगे बहुत सारे तो चॉकलेट की जो खरीदारी है वो बढ़ा देता हूं यानी कि चॉकलेट जितनी थी उसने यहां पर क्या किया आगे से उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई साहब अब जितनी चॉकलेट आ रही है उसका पांच गुना चॉकलेट मुझे पहुंचा दो अब यहां पर जो चॉकलेट बनाने वाली कोई यहां पर कंपनी बैठी है ऐसा ही इंसिडेंट अगर दो चार दुकानों पर आकर हो पर हाँ पर और फिर उसकी वजह से हाँ चॉकलेट बनाने वाली कंपनी को लगने लोगों को चॉकलेट जो है रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो उसने और ज्यादा चॉकलेट बनानी स्टार्ट कर दी पर लेकिन वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए थी वो एकदम खत्म हो गई अब तो हुआ क्या यहां पर कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो यहां पर एक तरीके से जो बच्चे लेने गए चॉकलेट उसकी वजह से जो बड़ा इफेक्ट पड़ा कि मैन्युफैक्चर चॉकलेट बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दी उसकी वजह से क्या होता है तो इसको बोलते हैं बेसिकली बुल विप इफेक्ट ठीक है विप इफेक्ट तो ये होता है विप इफेक्ट यानी कि छोटा सा कहीं पर चेंज हुआ स्टार्टिंग में आगे चलकर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर और सप्लाई लेवल पर बहुत बड़ा चेंज कर दिया ये सोचते हुए कहीं भाई साहब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो ये नॉर्मली यहां पर कई बार इकोनॉमी के अंदर में देखने को मिलता है तो इसके इफेक्ट के बारे में आप लोगों से कोई पूछे तो बता होना चाहिए तो तो ये ये एक एक तरीके से क्या होता होता है 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 इफेक्ट सप्लाई चेन जो 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 कि पर पर स्मॉल फ्लक्चुएशन डिमांड साइड आगे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और ढिमकाना सारे के सारे भाई साहब जो लग जाते हैं कि भाई साहब यहीं से ही काम बनेगा बिल्कुल ऐसे ही कोरोना आया मास्क और सैनिटाइजर की जो डिमांड बढ़ी है लोगों ने फैक्ट्रिया भर भर का डाल दी पर लेकिन अब कितने लोग इनको यूज कर रहे हैं आप लोग खुद बताओ क्या मास्क आप लोग यूज कर रहे हो ठीक है तो देखने को मिलेगा बहुत कैसे ऐसे कम लोग हैं जो आज के डेट में मास्क यूज कर रहे हैं ठीक है बाहर जाते हुए बताओ कौन कौन मास्क यूज कर रहा है बाहर जाते हुए मैं आज भी अगर कहीं भी जाता हूं तो मास्क यूज करता हूं उससे फायदा क्या है एक तो पोल्यूशन इतना है कि पोल्यूशन से भी आप लोग बच पाओगे ऊपर से यहां पर कुछ भी धूप गर्मी सारी चीजें और ऊपर से कोरोना की जगह और भी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं तो कोई खास रहा है छीक रहा है खांसी नजला जुकाम उनसे भी आप लोग आसानी से बच सकते हैं ठीक है तो ये अपना एक तरीके से अच्छा सिस्टम है स्टार्ट हो गया तो उसको अपनी आदत में बनाए रखो ठीक है तो यहां से दिक्कत क्या होती है अब यहां पर सामने वाले ने तो बढ़ा दिया तो बहुत सारे यहां पर इन्वेंट्री में सामान इकट्ठा हो गया ठीक है इसकी वजह से हो जाता है काफी सारा और ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ऐसे एरिया में जहां पर आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है नहीं ज्यादा तो ये वाली चीजें देखने को मिलती है पुअर डिमांड जैसी होगी प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है मार्केट में मान लीजिए किसी चीज की डिमांड बढ़ गई प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा क्लियर कम्युनिकेशन भी नहीं यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है भाई साहब बताओ तो सही डिमांड आ कहां से रही है तो इस इफेक्ट को यहां पर बुल विप इफेक्ट बोला जाता है और इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें इकोनॉमी के अंदर में देखने को मिलती है तो कोई पूछ ले आप लोगों से बुल विक इफेक्ट तो अब उसको समझा पाओगे ना एक तरीके से बुल विप इफेक्ट क्या है हाँ या फिर ना जी हां बिल्कुल आप लोग समझा पाओगे ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा ओके आगे चलते हैं इंटरेस्टिंग है यहां पर लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में यहां पर जब बात करते हैं तो उसने कई सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई तो तो के बारे में बात की जा रही है सबसे पहले तो यही बता दो आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये किसके द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है यानी कि दुनिया में अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं उनकी इकोनॉमी जो है वो कैसी रहने वाली है ये कौन बताता है इस रिपोर्ट के थ्रू जिसका नाम है डब्ल्यू -E तो ये आप लोग को बताना है तो ये आप लोग को बताना चाहिए कौन प्रस्तुत करता है इस रिपोर्ट को क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी ठीक है बात कर लेते हैं अभी क्लियर हो जाएगा टेंशन गाय को है मैं हूं ना करंट अफेयर की टेंशन नहीं लेना और बाकी साइड में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताता हुआ चलता हूं तो इसलिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बस थोड़ा सा आप लोगों को रिविजन करते रहना ठीक है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो यहां पर आउटलुक रिपोर्ट है वो आई यानी कि इंटरनेशनल मोनिटरी फंड के द्वारा यहां पर तैयार की जाती है पब्लिश की जाती है और इसमें इंडिया की जब फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी 2022 में देखने को मिली नेक्स्ट टू द सऊदी अरेबिया ठीक है तो 2023 की बात अगर देखो तो अभी आप लोगों को यहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी देखने को मिलेगी यानी कि 2022 में फास्टेस्ट इकोनॉमी अब तक का सऊदी अरेबिया है और हमारी कंट्री की सेकंड आप लोगों को देखने को मिल रही है पर 2023 में इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इसमें बोला भी गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि ब्राइट स्पोट है भाई साहब जब दुनिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है तो इंडिया एक चमकता सितारा है यहां पर ऐसी बातें बोली भी गई है तो जीडीपी में जो ग्रोथ है वो एक तरीके से आप लोगों को बेटर देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन इज नॉट एज हाई इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल में आएगा पर लेकिन फिर भी कई सारे शंका के बादल मंडराते रहेंगे वो क्या है जैसे कि हाई क्रूड ऑयल फिर फर्ट, जो फर्टिलाइजर होगी उनका प्राइस देखो तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है आप लोग घर में दाल है चावल है छाछ है आराम से आप लोग बनाओगे और खाओगे ठीक है पर लेकिन पता चला आप लोग के घर में आलू नहीं है प्याज नहीं है ठीक है आप लोगों के घर में या फिर कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं है अब आप लोग खरीद कर लेकर आना है और मोहल्ले में एक ही दुकान है और भाई साहब मार्केट से लेकर आते हो तो सस्ता पड़ता है अब ये भाई साहब क्या करते हैं उसको डबल प्राइस पर बेचते हैं और आप लोगों के पास में इतना टाइम भी नहीं है कि मार्केट में जा जाए तो इसी से लेने के लिए आप लोग को डबल प्राइस पे करने पड़ेंगे तो ये दिक्कत रहती है तो जब किसी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं ना तो बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना होता है तो हाई क्रूड ऑयल प्राइस हो गया अब ओपैक कंट्री बैठी उन्होंने बोला कि यार माल मसाला कम आ रहा है तो ऐसा करते हैं कटौती कर देते हैं तेल को बनाने में मार्केट में जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा प्राइस बढ़ जाएगा तो ये ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं क्यों क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे अब कितने ऐसे लोग हैं जो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे ठीक है अब आराम आराम से इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है तो इनके थोड़े से चक्सो खुलना स्टार्ट है हुए हैं पर लेकिन ये अभी उस लेवल पर नहीं है कि ये सुधर जाए तो वो नहीं कहता कि इंसान कब सुधरता है वो नहीं कहता जब डॉक्टर बोल देता है भाई साहब अब इसके आगे सिगरेट भी लेना तो मैंने मैं तो मैं भगवान भी नहीं बचा पाएगा ठीक है तब इंसान जाके सिगरेट छोड़ता है ठीक है या फिर शराब दारू छोड़ता है उससे पहले चलता रहता है चल रही जिंदगी चलने तो यार तो वाली बातें यहाँ पर ठीक है तो हाइयर क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर प्राइस जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्लोबल स्लो डाउन के बारे में बात करें तो भी एक अलग लेवल पर है इसी के साथ में डोमेस्टिक ग्रोथ इंपैक्ट पड़ेगी यहाँ पर और कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिशिएट और वो सब डॉलर डुल, रूपी वाला चक्कर तो आप लोगों को पता ही है तो वो सारी दिक्कतें निकल कराती है जिसको ये नहीं पता है कि डॉलर वर्सिज रूपी कैसे चेंज होता है ठीक है इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है डॉलर वर्सेस इज बाय बाई वीर सर्च कर लेना आप लोगों के सामने वो वीडियो खुलकर आ जाएगी और सारी बातें डिटेल में डिस्कस कर रखी है ठीक है लगभग 20-25 मिनट की वीडियो है एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं अगर आप लोगों को भी कंफ्यूजन है तो आप लोग भी देख लेना ठीक है अब यहां पर जिसके द्वारा ये बताया गया है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या यही काम करती है इसको और काम नहीं है ठाली है घर से नहीं भाई और भी काम करती है इतनी ठाली नहीं है ठीक है इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो प्रस्तुत किया जाता है इसके द्वारा यहां पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी यही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है जरूर याद रखिएगा आईएमएफ जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई थी उसके थ्रू बनाया गया था आईएमएफ का जो चचेरा भाई है अब वो चचेरा भाई क्या बोल दिया ये ये तो बिल्कुल एक ही बाप के बेटे हो गए बेसिकली वर्ल्ड बैंक आप लोगों को को देखने मिलेगा यानी कि जुड़वा है ऐसा बोल दो ठीक है तो इसलिए यहां पर एक तरीके से इसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या फिर ट्विंस भी इनको कई बार बोला जाता है तो ये तो एक तरीके से क्या है बिल्कुल एक दूसरे के चचेरे चेरे बिल्कुल एक दूसरे के ट्विंस बोल दिया तो फिर काम ही खत्म हो गया ठीक है फॉर्मेशन किया गया था सत्ताईस दिसंबर उन्नीस में हेड

आगे चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारे देश में एक पर्टिकुलर जो जो वेबसाइट है यहाँ पर वो स्टार्ट की गई किसके द्वारा हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा मैंने डिस्कस भी किया था कि कई सारे आर्म फोर्स में हमारे जो एक तरीके से सैनिक रहते हैं जो सोल्जर्स हैं कई बार बैटल में उनको कई सारा नुकसान होता है कई सारी कैजुअलिटी उनको देखने को मिलती है किसी का हाथ टूट जा रहा है पैर टूट जा रहा है तो उनको फंड की आवश्यकता पड़ती है और वो इतना ज्यादा हो जाता है कई बार अगर किसी के साथ में लड़ाई हो जाए तो यहां पर गवर्नमेंट जो है कई बार उसकी पूर्ति नहीं कर पाती है तो वहां पर ये क्या बोलते हैं थोड़ा सा यहां पर डोनेशन वगैरह भी मिलना चाहिए तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट आप लोग कर सकते हैं उसके लिए यहां पर वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है वेबसाइट का के नाम क्या है यहां पर अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप लोग देखने को मिलेगा माँ भारती के बेसिकली सपूत ठीक है डोट डोट एम ओडी डॉट जी ओ वी इन ठीक है

तो ये देखने को है कि ऐसी पंडुबी अगर हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा होगी तो अपने कोस्टल एरिया के आसपास हम लोग उसको रख सकते हैं क्यों क्योंकि इनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है जब यहां पर ये न्यूक्लियर पावर होती है अगर इंजन जो बेसिकली डीजल वगैरह से चलता है तो फिर क्या रहता है आप लोगों को पता है उसको हवा चाहिए बाहर निकलने के लिए ठीक है तो वो सारी चीजें रहती है तो यहां पर ये जरूरी है एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी हिमाचल प्रदेश वाले ऑल द बेस्ट यार बारह नवंबर को इलेक्शन है और ध्यान से वोट करना खासकर उन लोगों को जिन्होंने रियलिटी में डेवलपमेंट किया है चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो जिसने दिल से एरिया में डेवलपमेंट किया है उसी को वोट देना अपनी कास्ट रिलीजन और उससे थोड़ा सा अकट के ठीक है आगे चलते हैं यहाँ है पर इलेक्शन और सॉरी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान उनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये एक तरीके से जो इनोग्रेट किया गया ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं ठीक है तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में तो ऐसा कोई शब्द अगर आ जाए ना आप लोग उसके ऊपर स्टार लगा लिया करो क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं पूछ लेंगे ये कोई रोबोट का नाम है ये फिर किसी मिसाइल का नाम है ये किसी रडार का नाम है तो यहाँ पर बात की जा रही है इन्वेंटिव तो ये आईआईटी में यहाँ पर लॉन्च किया गया है और एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री उनके द्वारा लॉन्च किया गया ताकि इन चीजों को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा सके ठीक है तो बेसिक चीज है याद रखेगा पंजाब के जो सीएम हैं भगवत मान जी और इसी के साथ में हरियाणा के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर जी वो डिस्कस कर रहे हैं कि सतलज यमुना लिंक को कैसे आगे लेकर चला जाए क्योंकि यहाँ पर ये एक तरीके से ऐसा लिंक है जिससे काफी सारा फायदा होगा पर लेकिन आसपास वाले रीजन में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो डूबने वाली हैं तो उनको कैसे लेकर चलना है उसके ऊपर ही फोकस देना है वाराणसी के कोर्ट के द्वारा बोला गया कार्बन डेटिंग नहीं कराई जाएगी ज्ञानवापी मस्जिद की तो यह एक तरीके से काफी इम्पोर्टेंट डिसीजन था जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहा ठीक है बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच थी जिसके एक्स ड्यूस जो प्रोफेसर थे जी एन साई बाबा उनको मॉस्ट लिंक के चलते वहां पर पकड़ रखा था काफी लंबे समय से अभी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है यहां पर इनके ऊपर और उनको छोड़ने की बात की गई है तो कई बार ये रहता है कि क्या देश के अंदर में यूएपीए जैसे कानून होने चाहिए तो देखिए अगर कोई पूछ ले आप लोगों से होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए तो सीधा सीधा लिखना कि यस होने चाहिए पर लेकिन द ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो कानून है वो कानून को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा उनका मिस नहीं होना चाहिए वो आप लोगों को देखना मिलेगा ठीक है बाकी नागालैंड के जो सीएम है इनका नाम है यहां पर नेफू रोए इनके द्वारा लॉन्च किया गया यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम तो ये आप लोग यहां पर याद रखेगा ठीक है इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जाए तो यहां पर पावर जो मिनिस्टर हैं आर के सिंह उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये स्टेट और यूटी की देखने को मिली उदयपुर राजस्थान के अंदर में तो याद रखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट और यूटी को लेकर कहां पर हुई उदयपुर के अंदर में तो वन डे टाइप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं डब्ल्यू पी आई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो देखने को मिला अट्ठारह मंथ का जो लो यहाँ पर टेन तो ये अच्छी बात है यहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो जाती है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर नेटो जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है जैसे मैंने अभी आप लोगों से बात किया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसे ही यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा नेटो के बारे में नेटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एनुअल न्यूक्लियर एक्साइज यहां पर इसका नाम क्या रखा गया यहाँ पर यह है स्टेड फास्ट नून ठीक है तो उसका क्या नाम बताया था बताओ जरा इसका स्टेड फास्ट नून है और जो कि यहाँ पर ये यूरोप के अंदर में जो अक्टूबर सेवनटीन ठीक है तो यानी कल ही यहां पर जो देखने को मिली ठीक है तो ये ऐसी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं

तो अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है इनको देखता हूं कितने अच्छे से आप लोग सुनने चीजों को कुछ का पता होगा कुछ का नहीं पता होगा तो उनको बताता हुआ चलूंगा ठीक है बोला गया कि एन का मतलब क्या है एन में जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया तो यहां पर न्यू नेक्स्ट नोवल या फिर नोड ये आप लोग को बताना है यहां पर बात की जा रही है भारत कृषि सेटेलाइट प्रोग्राम के बारे में तो आप लोग को ये बताना है कि मिनिमम कितने सैटेलाइट हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करेंगे दो तीन चार पांच ठीक है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आई आर एन एस एस हमारी कंट्री का लॉन्च किया गया था उसमें कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कितने सेटेलाइट है तो बताओ उसके अंदर कितने सेटेलाइट है देखता हूं कौन कौन बताता है आगे चलते हैं यहाँ पर बात की जा रही है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश की गई वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन बताया भी था और फिर यहाँ पर यह भी बताया था कितनी सारी स्पीसीज यहां से खत्म हो गई है कि कौन सी सिटी है यहाँ पर जिसके द्वारा जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की पर देखने को मिली पेरिस रोम डेहली सिंगापुर तो क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसका आइडिया जरूर होना चाहिए आगे चलते सी सेट का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वीडियो को पोज करना इसका आंसर देना और फिर आंसर आप लोगों के सामने है इनमें से चूज करना आप लोगों का क्या आंसर है और फिर मैं आप लोगों को अभी इसका आंसर बताऊंगा पहले हम लोग प्लेस इन न्यूज और वो देख लेते हैं फिर इसका आंसर भी मैं आप लोग जैसे कि आजकल हम लोग कई सारी रिवर यहां पर कवर कर रहे हैं तो ये काफी इंपोर्टेंट रिवर है जिसका नाम है तापी रिवर और जहां जहां से आती है अगर उस एरिया से आप लोग आते हैं तो क्वेश्चन भी बन सकता है तो कहां कहां से, होकर तो से ये होकर गुजरती है आप लोगों को देखने को मिलेगी तो याद रखिएगा तीन राज्य हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात जिससे ये होकर गुजरती है तो तीन राज्य इसके बेसिन एरिया में पड़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखेगा ठीक है जो ये निकलती है वो कहां से निकलती है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा मुलतई मुलतई पर्टिकुलर एरिया है मध्य प्रदेश वहां से निकलती है तो मुल्तई से निकलते हुए हाँ यहां पर ये फिर आगे बढ़ती है यहां पर ये आप लोगों को नजर आएगा कहां पर गिरती है अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है मैक्सिमम रिवर जो है आप लोगों को गिरती हुई नजर आएंगे बेओ बंगाल में पर लेकिन ये आप लोगों को अरेबियन सी में गिरती हुई नजर आएगी ठीक है तो अरेबियन सी में यहां पर जो इसका माउथ खुलता है वह गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी के अंदर में जो कि नजर आएगा आप लोगों को यहां पर बेसिकली ये गिरती हुई नजर आती है ठीक है तो इसलिए यहां पर कई बार सोर्स कहां से निकलती है और कहां पर जाकर गिरती है वो याद रखेगा लगभग सात किलोमीटर ये लंबी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी ठीक है तो कई सारे पोर्ट्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो इंटरनेशनल रूट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो रिवर तापी के बारे में ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर याद रखेगा गल्फ ऑफ खम्बात ये जरूर याद रखेगा क्योंकि लोकेशन कई बार आप लोगों से पूछी जाती है तो कंफ्यूजियाना नहीं है ओके पांच नए शब्द हालांकि बोलने के लिए पांच है वैसे यहां पर सैनोनिम और एंटोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं शब्द तो मैंने आप लोगों को बोला था लगभग तेईस से भी ज्यादा होते हैं पर कैट लिस्ट पांच के ऊपर सेंटेंस बना लिया करो पाँच में से कम से कम एक दो के ऊपर तो बना लिया करो इतना तो रहम कर दिया करो तो ये एनडीए सी डी एस 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 सी बैंकिंग हर जगह जो हम वोकेबलरी पूछी जाती है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और आंसर राइटिंग में भी अगर अच्छी वोकेबलरी आप लोगों के पास में होती है तो एक बेहतरीन आंसर आप लोग कर पाएंगे ठीक है तो पहला शब्द जो है यहाँ पर यह नॉन पैरल ठीक है तो ये इसका मतलब है अतुल्य यानी कि कोई कंपेयर ही नहीं है आप लोग अपने अगर बात करें खासकर अगर मम्मी पापा के बारे में जब बात करते हैं जो रिस्पेक्ट उनको आप लोग देते हो वो किसी के साथ में कंपेयरेबल नहीं है ठीक है या फिर अपने जो गुरुजी होते हैं उनके बारे में बात की जाती है तो आप लोग देखते हो कई बार कि इन लोगों को खासकर किसी के साथ में कंपेयर नहीं किया जाता है ठीक है कई बार इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कोई ऐसा शानदार काम आप लोगों ने कर दिया कि वाह क्या काम कर दिया भाई साहब किसी चीज के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता तो यहां पर इनकम्पेयरेबल या फिर मैचलेस आप लोग इसको बोलते हैं अपोजिट क्या होगा बड़ा ही सा है यार ये तो कोई भी कर लेता है अरे नॉर्मली तो है अरे ऑर्डिनरी भाई साहब उसने भी कर रखा है ठीक है और वाली बातें हो गई तो कंपेरेबल हो गया तो ये शब्द काफी इंपोर्टेंट है कई बार आप लोगों ने देखा होगा नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है अरिंग एक तरीके से आरोप लगाना बोलते हैं एक तरीके से किसी के ऊपर नहीं आरोप लगा दिया कई बार बोलते हैं समन करना उसको ठीक है तो ये इस तरीके शब्द आप लोग को न्यूज में कई बार देखने को मिल जाते हैं तो ये शब्द जो होते हैं ना ये तब तक आप लोग को याद नहीं रहेंगे जब तक इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म नहीं करोगे तो सेंटेंस फॉर्म जरूर करना है ठीक है सुना है बाहुबली टाइप का ठीक है तो बुलंद एक तरीके से तो स्टेंटोरियन एक तरीके से ऐसा जो कि एक तरीके से बहुत ही लाउड या पावरफुल आप लोग बेसिकली बोल देते हैं तो इसके चलते ठीक है, है? यानी कि एक तरीके से उड़दंग मचाने वाला भी आप लोग बोल सकते हैं यानी कि इसके अपोजिट में जाएंगे तो शांति रखने वाला तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं तो ये शब्द भी यहां पर ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टिंग एक वर्ड में आता है ये बोरिंग सी लाइफ देखिए जब बहुत ही बोरिंग सी चलती रहती है नीरस है भाई साहब मजा नहीं आ रहा है यार बस ऐसे ही चल रही है बस कट रही है तो एक तरीके से हम ड्रम हो गए यानी कि नीरस चल रही है भाई साहब बिल्कुल डल बोरिंग बस ऐसे चल रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में ठीक है पर लेकिन जब एक्साइटिंग हो जाती है तो वो एक अलग ही लेवल पे चीजें पहुंच जाती है फिर बोलते हैं एक्साइटिंग वैसा जिंदगी जीने में मजा आ रहा है ओए ठीक है तो वाली बात हो गई तो एक्साइटिंग हो गई एकदम तो आप लोगों को देखना है कि किस तरीके की लाइफ आप लोगों को चाहिए तो जब लगे बोरिंग चल रही है तो बोलना कि हम ड्रम यार बस चल रहा है बस काम हम ड्रम हो रहा है बस काम ठीक ना तो इस तरीके से यूज कर ले कर रहे यार यार हो दोस्तों में बोलते बोला क्या बोल दिया तुझे नहीं पता ठीक है अभी बताता बता दो नया शब्द ये जो शब्द है काफी इंटरेस्टिंग है इसको बोलते हैं ठीक है इसका मतलब होता है मिली भगत यानी कि एक तरीके से कोई नहीं कॉन्सप्रेसी करना कई सारे लोग होते हैं खासकर आप लोगों ने देखा होगा कई बार यार दोस्त आपस में कॉन्सपेरे करते हुए नजर आते हैं हालांकि जो कॉन्सपेरेसी करेगा वो सच्चा यार कभी हो ही नहीं सकता वो इंसानी गद्दार होगा ठीक है जो सच्चा यार होगा वो हमेशा भले आप लोगों के साथ में कितने मजे ले ले पर जब आप प्रॉब्लम में होगे ना वो बंदा तुमको बचा के ले जाएगा वहां से ठीक है तो वो है रियलिटी में सही इंसान तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं उसको तो यहां पर ये शब्द है पांचवा तो इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना एटलीस्ट एक शब्द के ऊपर तो सेंटेंस जरूर फॉर्म कर देना ठीक है इतना तो कर ही सकते हो ना ठीक है ये जो शब्द एन है यहां पर ये क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं एन है यहां पर न्यू यानी कि न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल ठीक है तो ये आप लोग यहां पर याद रखेगा न्यू है क्या ये सही बताइए न्यू नहीं है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ठीक है इसलिए बोला स्टार्टिंग में गलती ताकि एग्जाम में आप लोग इसको गलत ना करो तो नेक्स्ट जनरेशन है न्यू नहीं है कंफ्यूज मत हो जाना आंसर यहां पर बी है ठीक है नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है भारत कृषि इसके लिए कितने सैटेलाइट देखने को मिलेंगे तो दो सैटेलाइट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है इसके बारे में याद रख सकते हैं बाकी यहां पर लिविंग प्लान के बारे में बात की थी मैंने लगभग सत्तर प्रतिशत नाइन प्रतिशत ऑलरेडी हमारी धरती पे से हम लोग बहुत सारी ऐसी वाइल्ड पॉपुलेशन है जिनको खत्म कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेगी अगर हम लोग नहीं सुधरे इंपॉर्टेंट है जब कोई इंटरनेशनल मीटिंग हमारे देश के अंदर होती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है तो ये डेली के अंदर आप लोग को देखने को मिली तो इसलिए क्वेश्चन कोई पूछ ले तो कन्फ्यूज आना नहीं है ठीक है ये क्वेश्चन था यहां पर जिसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या इसका आंसर है सी यानी कि टेन ठीक है तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं टेन आंसर है डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी है यहां पर इसको आप लोग एक बार देख लेना तो कोई भी डाउट फिर आप लोगों को नहीं रहेगा ठीक है तो इस तरीके से चीजों को प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में कम से कम न भूलो और एक एक चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए ओके आज के सेलवी कमांडो है सानू पाटीदार आंसर देखना यार दिल खुश हो जाता है आंसर देख के कई सारे बच्चे ऐसे आंसर देते हैं और इनके मुझे प्रॉपर नाम याद हो गए हैं जो रेगुलर सही तरीके से आंसर दे रहे हैं तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करो और फिर देखना बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को याद रहने लगेगी ठीक है क्राउन प्रिंस जो कि सऊदी अरेबिया के जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान ये इंसान को मैं कभी नहीं बोलता क्यों क्योंकि इसने जब ये पार्टी पर गद्दी में बैठा तो भाई साहब ने सबको जेल में डाल दिया बोला कि ये सारे मेरी जिंदगी में ना दखल देते हैं इनको सबको उठा के फेंको ठीक है न्यूज़ में क्यों था न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसने चार मिलियन ह्यूनिटेरियन एड दिया है यूक्रेन को क्योंकि वहां पर दिक्कतें काफी हो गई हैं रसे की वजह से तो इसलिए इंसान न्यूज़ में आया था तो जेलेंस की भी बोल रहे थे धन्यवाद भाई साहब तुमने तो कम से कम हेल्प की बहुत सारे लोग हेल्प ही नहीं कर रहे हैं ठीक है तो ये उसकी वजह से न्यूज में था ठीक है तो कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताइए इन्जॉय किया कि नहीं किया अगर इन्जॉय किया तो ये बोलना अगर अगर इन्जॉय नहीं किया कोई डाउट रहा है तो उसको बताना सोचेंगे कैसे आप लोगों को इन्जॉयमेंट दिलाना है पढ़ाई करते टाइम आप लोगों को बस ये होना चाहिए कुछ नया सीखने को मिलेगा मजा आएगा ठीक है वो वाली फीलिंग रहेगी ना तो जिंदगी में आप लोग अच्छी सी चीज़ों को इन्जॉय कर पाओगे और कुछ भी चीजें चेंज करनी है ना यार तो आप लोग कर सकते हो थोड़ा सा ट्रस्ट तो करो अपने आप अपने ऊपर यार इसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रो जो तो आप लोगों के साथ में 24 घंटे रहता है तो फिर किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे तो इसके ऊपर ट्रस्ट करो और जिंदगी आप लोगों को चेंज होती हुई नजर आएगी आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही होगी अगर फायदा पहुंचा रही है तो अपने दूसरे दोस्तों तक भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं उनको भी फायदा पहुंचाएगी अगर आप लोग सच्चे दोस्त हैं किसी के तो उसके बारे में कभी नेगेटिव मत सोचना तो उसके जरूर पहुंचाना और बाकी अपना प्यार दिखा सकते हो लाइक या डिसलाइक कर आसपास सफाई रखो यार पानी और पेड़ पौधों को सेव करो पोलिथिन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करने हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते छोड़ो को प्यार छोटी सी लाइफ इंजॉय करार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद और हाउस द जोस बिल्कुल हाई रखना है ठीक है तभी को इंजॉय करोगे